हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अपने अपने एग्जाम्स के प्रिपरेशन में लगे होंगे। और आप लोगों का जो एग्जाम प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर से बेहतर हो, अच्छे से अच्छा हो, मैं भी उसके लिए अपनी तरफ से भरपूर मेहनत कर रहा हूँ। और इसी श्रेणी में, इसी कड़ी में आज हम डिस्कस करेंगे BEGE 141 को। क्या डिस्कस करेंगे? तो हम लोग डिस्कस करेंगे BEGE 141 को। ये जो है ना, ये इंग्लिश की एक बुक है और जिसका टाइटल है आपको अंडरस्टैंडिंग प्रोज। क्या टाइटल है? अंडरस्टैंडिंग प्रोज, ये बुक का टाइटल है। खैर, आगे बढ़ने से पूर्व आप लोगों को स्क्रीन पर एक चीज यहाँ आज लगा हुआ दिख रहा होगा और वो चीज है ये, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब। देखिए दोस्तों, मैं कभी आप लोगों से रिक्वेस्ट नहीं करता हूँ कि आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर या सब्सक्राइब कीजिए, लेकिन मैं आज ये चीज़ कर रहा हूँ। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि चैनल पे या ये जो आप लोगों की जो फैमिली है, इस पे जितने भी लोग आते हैं उसमें से 80% व्यूअर्स जो हैं वो अनसब्सक्राइब्ड वाले हैं। मतलब वो आते हैं, वीडियोज़ तो देखते हैं, या फिर यूँ कह लें कि आप लोग आते हैं चैनल पे, वीडियोस देखते हैं, लेकिन आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ये गलत बात है। आप लोग अगर देखते हैं, आपको अगर फ़ायदा पहुंचता है, अगर आपको अच्छा लगता है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। क्योंकि अगर आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो ये जो कम्युनिटी है ये और भी मजबूत होगी और मेरा जो हौसला है वो बढ़ेगा और आप लोगों की मेहनत के बदौलत ही मैं यहाँ पर हूँ। जो आप लोग देखते हैं, जो वीडियो में आप लोग टाइम देते हैं वीडियो पे, उसी के बदौलत मैं वीडियोस बनाता हूँ। अगर आप लोग वीडियो ही नहीं देखेंगे या फिर आप लोग सब्सक्राइब ही नहीं करेंगे तो फिर मतलब मेरे अंदर जो साहस है वो कैसे बढ़ेगा। तो कृपया आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं और भी आगे वीडियोज़ अच्छे से अच्छे तरीके से बनाने की कोशिश करता रहूँ। अगर आप लोग मुझे इनक्रेज नहीं करेंगे, मुझे साहस नहीं देंगे, तो मैं फिर वीडियो, एक समय ऐसा भी आएगा कि मैं थक हार कर वीडियो बनाना ही स्टॉप कर दूंगा। तो आप लोग सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आगे भी आप लोगों के लिए इसी तरह अच्छे से अच्छा वर्क करता रहूं। खैर, ये सारी बातें तो हो गई, अब सीधे मुद्दे पर चलते हैं कि आखिर आज का जो डिस्कशन है हमारा वो कैसा होने वाला, किन किन बातों को हम अभी डिस्कस करेंगे। तो इसके लिए मैं दूसरे पेज पर चलता हूँ। हाँ देखिए दोस्तों, ये दूसरा पेज है, फिर एक ऐड है, छोटा सा ऐड है, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। इग्नू टिप्स असाइनमेंट इन सभी चीज़ों में डील करती है, सॉल्व्ड असाइनमेंट, हैंड रिटन हार्ड कॉपी, हैंड रिटन पीडीएफ असाइनमेंट, पीडीएफ, गैस पेपर, गाइड बुक्स, इन सभी चीज़ों में इग्नू टिप्स असाइनमेंट डील करती है और आप इन सभी चीज़ों को यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। चाहे तो www.ignutipsassignment.com पर विजिट करके ले सकते हैं, 9523779253 पर व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, या फिर मेल अस ऑन ignutipsassignmentinfo@gmail.com, यहाँ पर भी आप जीमेल करके अपने रिक्वायर्ड इग्नू स्टडी मटेरियल को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब चलते हैं आगे। अब मेन जो हमारा टॉपिक है वो आप लोगों को दिख गया होगा, BEGE 141 हमें आज डिस्कस करना है। इसका नाम है अंडरस्टैंडिंग प्रोज। इसमें हम डिस्कस करेंगे गैस पेपर, सैंपल पेपर, नोट्स, जो भी आप इसे कह लें या आपकी इच्छा है, तो इसी फॉर्मेट में हम सारी बातों को आज यहाँ पर देखेंगे। तो इसको डिलीट करते हैं, चलते हैं नेक्स्ट पेज में। तो ये है आप लोगों को दोस्तों फर्स्ट पेज, आप लोगों के लिए ये जो है फर्स्ट पेज है। सॉरी, मैं यहाँ आप लोगों को नहीं बोलना चाहिए था, मुझे बोलना था चाहिए था कि ये आप लोगों के लिए फर्स्ट पेज है और इस फर्स्ट पेज में आप लोगों को यहाँ पर ब्लॉक्स दिख रहे होंगे और इसमें कोई ज़्यादा ब्लॉक नहीं दिख रहा होगा, पहला ब्लॉक ही दिख रहा होगा। देखिए ये जो बुक है ना BEGE 141, इसमें टोटल 4 ब्लॉक्स हैं और उसमें से 2 ब्लॉक्स को मैं आज डिस्कस करवाऊंगा और बाकी जो 2 ब्लॉक्स है उसको मैं अगले वीडियो सीरीज में डिस्कस करवा दूंगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो पहला 2 ब्लॉक है इसमें टोटल 4-4 चैप्टर्स हैं शायद। हाँ, पहले ब्लॉक में भी 4 चैप्टर्स हैं, 4 यूनिट हैं, और दूसरे ब्लॉक में भी 4 चैप्टर्स या फिर 4 यूनिट्स हैं। तो ये यूनिट 1, 2, 3 और 4 आप लोगों को दिख गया होगा, इसी को हम लोगों को डिस्कस करना है। ये ब्लॉक 1 है और अभी मैं आप लोगों को लिए चलता हूँ ब्लॉक 2 पे। देखिए ये ब्लॉक 2 अब आप लोगों के सामने ओपन हो गया है। देखिए ये इसमें भी 4 ब्लॉक्स हैं, सॉरी 4 यूनिट्स हैं, यहाँ पर दिख गया होगा। माइजरी बाय एंटोन चेकॉव, मदर बाय जुदावटन, एंड शूटिंग एन एलिफेंट बाय जॉर्ज ऑरवेल, एंड ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम बाय जमैका किनसेड, या जमैका किनसेड, जो भी आप अपना अपने तरफ से कह लें। क्योंकि जो नाउन है इसमें सी का यूज किया गया है, सी से कोई इसे सॉ पढ़ेगा या कोई को पढ़ेगा, तो कोई जमैका किनसेड बोल सकता है, कोई जमैका किनसेड बोल सकता है। तो खैर ये सारी बातें हो गई, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये तीसरा ब्लॉक है, ये अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। उसके बाद आगे चौथा ब्लॉक है, इसको भी हमें अभी डिस्कस
नहीं करना है। तो सबसे पहले ब्लॉक में जो क्वेश्चन है वो अब आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है। पहले ब्लॉक में जो क्वेश्चन है वो ये है कि डिफरेंशिएट बिटवीन प्रोज एंड पोएट्री इन लिटरेचर। तो अभी जो आगे मैं डिस्कस करूंगा सो करूंगा, सीधे सीधे मैं अभी आपको शॉर्ट में बताता हूँ कि ये प्रोज होता क्या है। देखिए प्रोज की हिंदी होती है गद्य, क्या तो गद्य। अगर हिंदी में इसको समझे तो हम इसको ऐसे कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा लेखन जो कि सेंटेंस में लिखा हो, किसमें लिखा हो, सेंटेंस में लिखा हो, मतलब पूर्ण वाक्यों में लिखा हो और हर वाक्य का कुछ ना कुछ अर्थ हो और साथ ही साथ ये ग्रामर से बंधा हुआ हो। किससे बंधा हो, ग्रामर से, व्याकरण से बंधा हो। मतलब ऐसा ना हो कि व्याकरण का टांग हाथ तोड़ के कुछ भी लिख दिए, जैसे कि राम इज अ बॉय अगर हम लिख रहे हैं तो यह प्रोज हो गया, गद्य फॉर्मेट में हो गया, क्योंकि यह ग्रामर से बंधा हुआ और यह एक पूर्ण सेंटेंस है और इसका एक निश्चित मीनिंग है, इसका एक निश्चित अर्थ है इस वाक्य का कि राम एक लड़का है और यह ग्रामर से बंधा हुआ है। इसमें नाउन, उसके बाद आपको वर्ब, इन सभी का एक निश्चित जो सीक्वेंस है वो यूज किया गया, मतलब नाउन वर्ब ईटीसी जो भी चीजें हैं, सब्जेक्ट प्रेडिकेट सब कुछ एक निश्चित सीक्वेंस में यूज है, तो उसे हम प्रोज कहेंगे। मतलब प्रोज की अगर विशेषताओं की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि प्रोज वो होता है जो कि ग्रामर व्याकरण से बंधा होता है, एक कंप्लीट सेंटेंस होता है और सब जिसका एक कंप्लीट मीनिंग होता है। वहीं अगर पोएट्री की बात करें दोस्तों तो पोएट्री वो होता है जो कि मैक्सिमम टाइम्स सेंटेंस में नहीं लिखा होता, मतलब पूर्ण वाक्यों में नहीं लिखा होता बल्कि हाफ सेंटेंस, जिसे आप हिंदी में वाक्यांश कह सकते हैं, वाक्यांश में लिखा होता है और साथ ही ये ग्रामर से ऑलमोस्ट मतलब अटैच नहीं होता है, ग्रामर में ये गुथावा नहीं होता है, तो उसे हम पोएट्री कहेंगे। जैसे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार हैव यू वंडर हाउ यू व्हाट यू आर, तो ऐसा वाला होता है। बाबा ब्लैक शिप ऐसा वाला बहुत सारा है, ठीक है, बहुत सारी जो पोएट्रीज हैं वो हैं। फिर टू रोड्स नॉट टेकन, आपको ये विलियम वॉर्ड्सवर्थ की लिखी हुई है शायद, और भी बहुत सारी पोएट्रीज हैं। तो जो मैक्सिमम पोएट्रीज होती है वो हाफ सेंटेंस वाक्यांशों में लिखी होती है और जो जिनका ग्रामर से लगभग कोई लेना देना नहीं होता और उसका जो हर जो लाइन होती है, हर एक लाइन होती है वो एक निश्चित अर्थ तुरंत नहीं देता है, बल्कि मतलब हम ये कह सकते हैं कि उसका एक इंटरनल मीनिंग होता है, उसका एक आंतरिक मीनिंग होता है जो कि साधारण तौर पर कोई उसे समझ नहीं सकता। उसको समझने के लिए हमें अंदर तक सोचना पड़ता है, उस लाइन को अंदर तक सोचना पड़ता है, तभी पोएट्री के मीनिंग को जाना जा सकता है। तो अब आप लोग सिंपल में पोएट्री और प्रोज के मीनिंग को समझ गए होंगे। अब सीधे चलते हैं इधर की ओर, कंटेंट की ओर। कंटेंट में क्या लिखा गया है, द प्रोज इज एन ऑर्डिनरी राइटिंग स्टाइल इन लिटरेचर विच इनकम्पासेस कैरेक्टर्स प्लॉट मूड थीम्स द पॉइंटिंग ऑफ द व्यू सेटिंग्स ईटीसी मेकिंग मेकिंग इट अ डिस्टिंक्टिव फॉर्म ऑफ लैंग्वेज। इट इज रिटन यूजिंग ग्रामेटिकल सेंटेंस विच फॉर्म्स अ पैराग्राफ। इट मे इंक्लूड डायलॉग्स एंड इज समटाइम्स सपोर्टेड बाय इमेज बट डज नॉट हैव अ मेट्रिकल स्ट्रक्चर। प्रोज कैन बी फिक्शनल और नॉन फिक्शनल, हेरोइक अल्टरनेटिव विलेज पॉलीफोनिक प्रोज ईटीसी बायोग्राफी ऑटोबायोग्राफी मेमोर्स एसे शॉर्ट स्टोरी फेरी टेल्स आर्टिकल नॉवेल ब्लॉग एंड सो फोर्थ इज सो फोर्थ यूज प्रोज फॉर क्रिएटिव राइटिंग। तो ऐसा कि जो प्रोज है वो एक राइटिंग स्टाइल है लिटरेचर में, साहित्य में, और इसमें क्या होता है, कैरेक्टर्स किरदार होते हैं। यहाँ पर साहित्य में बात की जा रही है दोस्तों। अभी जो ऊपर मैंने आप लोगों को प्रोज बताया था तो वो मैंने एक जनरल प्रोज बताया था कि जनरली हम प्रोज को कैसे डिफाइन करते हैं या फिर जनरल प्रोज का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर मैंने ऊपर में क्वेश्चन में ही लिख दिया है कि लिटरेचर में प्रोज और पोएट्री क्या है। तो लिटरेचर में अगर प्रोज और पोएट्री की बात करें तो प्रोज में क्या होता है कि इसके अंदर कैरेक्टर्स होते हैं, क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, प्लॉट होते हैं, कथानक, मूड होता है, थीम होता है, पॉइंट ऑफ व्यू होता है, सिटिंग होता है। तो यही सब चीज़ों को अगर हम मिला देते हैं, इकट्ठा कर देते हैं तो वो प्रोज बन जाता है। जैसे आपने BEGC 133 बुक पढ़ी होगी, BEGC 134 बुक पढ़ी होगी, BEGE 142 बुक पढ़ी होगी, तो आपने उसमें कहीं ना कहीं ड्रामा देखे होंगे, स्टोरीज देखी होंगी, उसके बाद नॉवेल्स देखे होंगे, तो वो उसमें आपने क्या देखा होगा, कैरेक्टर देखा होगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, मैकबीथ करके एक ड्रामा है, ड्रामा को भी प्रोज फॉर्म में कभी कभी लिया जाता है। खैर ड्रामा से अच्छा मैं एक बहुत अच्छा सा क्या एग्जांपल दे दूं आप लोगों को, क्या एक अच्छा सा एग्जांपल मेरे दिमाग में अभी नहीं आ रहा। बात्सिवा एवरडीन की एक नोवेल है, बात्सिवा एवरडीन नाम की एक कैरेक्टर थी, BEGC 134 या 133 में होगा शायद आप लोगों का,
आप लोगों के BEGC 133 या 134 बुक में होगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसमें एक नॉवेल है जिसमें कि एक कैरेक्टर होती है बाथशीबा एवरडीन। तो ये जो बाथशीबा एवरडीन है, और वो जो है ना, वो एक महिला होती है, और वो महिला एक तरह से महत्वाकांक्षी महिला होती है, और वो क्या करती है कि एक तरह से उच्च समाज से आती है, और फिर उसके पति जो है वो उस समाज में अपना कैरेक्टर मेंटेन रखना चाहते हैं, लेकिन वो जो महिला है वो थोड़ी मतलब अपनी अपनी महत्वाकांक्षाओं को देखते हुए वो दूसरों के साथ संबंध बनाना चाहती है, मतलब उसको किसी और से प्रेम हो जाता है। तो वही सारी स्टोरी है बाथशीबा एवरडीन वाली नॉवेल में, जिसमें कि बाथशीबा एवरडीन कैरेक्टर है। मुझे एग्जैक्ट नॉवेल का नाम याद, शायद द अवेकनिंग ही है। तो ऐसा है कि उसमें क्या है, कैरेक्टर के तौर पर आप किसे ले सकते हैं, तो कैरेक्टर के तौर पर आप किसको ले सकते हैं, तो बाथशीबा एवरडीन को ले सकते हैं। मूड, आप मूड की बात करते हैं, तो बाथशीबा एवरडीन का मूड जो है ना, वो स्विंग करता रहता है। कभी वो इससे प्रेम करने लग जाती है, कभी वो उससे प्रेम करने लग जाती है। प्लॉट होता है, एक स्टोरी होती है। सिटिंग, सिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, सिटिंग होता है, सिटिंग अरेंजमेंट, मतलब आप हर चीज़ ये देखिए कि जैसे मूड, मूड के बारे में मैंने आपको बता दिया। प्लॉट, प्लॉट का मतलब कथानक, जो भी चीज़ें घटना, जो भी घटनाएं घटित हो रही हैं एक स्टोरी के अंदर, उसे हम कथानक कहेंगे। और उसके बाद पॉइंट ऑफ व्यू, किस नज़रिए से स्टोरी गढ़ी जा रही है, वो एक मेन फैक्टर होता है। सेटिंग कहाँ पर है, किस प्लेस पर सेट किया गया, किस टाइम पर सेट किया गया। तो जैसे कि वो जो बाथशीबा एवरडीन की स्टोरी है, तो उस वो एक समर वेकेशन वाले जगह पर सेट किया गया है, जो कि एक आपको क्या कहते हैं, एक आइलैंड के बगल, आइलैंड था या बीच था, सॉरी बीच के बगल में ये स्टोरी सेट की जा गई है। तो यही सब चीज़ें जो है ना, वो एक तरह से अगर सब चीजों को मिला दे, कैरेक्टर, प्लॉट्स, मूड, थीम, पॉइंट ऑफ व्यू, सिटिंग, इन सब को मिला दे, तो जो बनेगा वो होगा प्रोज। यह एक राइटिंग स्टाइल होता है लिटरेचर में, और यह हमेशा ग्रामेटिकल सेंटेंस के फॉर्मेट में लिखा जाता है, और यह एक पैराग्राफ फॉर्म करता है। और इस प्रोज के अंदर डायलॉग होते हैं, कभी कभी इसमें इमेजेस का भी यूज किया जाता है। प्रोज जो है वो फिक्शनल हो सकता है और नॉन फिक्शनल हो सकता है। अब फिक्शनल और नॉन फिक्शनल क्या है, तो फिक्शनल का क्या मतलब होता है दोस्तों, कि इसको हिंदी में बोलते हैं काल्पनिक। जैसे कि आप कोई कहानी पढ़ते हैं, तो कहानी अक्सर काल्पनिक होती है, कल्पनाओं से बनी होती है। जैसे कि बाथशीबा एवरडीन वाली जो कहानी है, जो अभी मैंने ऊपर आप लोगों को बताई थोड़ी बहुत, तो वह भी कल्पनाओं से घिरी हुई है कहानी है, उसमें वास्तविकता कुछ नहीं है। तो ये फिक्शन हो गया। अब आते हैं नॉन फिक्शन। तो नॉन फिक्शन की बात अगर की जाए, तो उसे हम कहते हैं अकाल्पनिक, जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हो। जैसे कि आप महात्मा गांधी की जीवनी लिखेंगे, तो उसमें आप सच्चाई ही तो लिखेंगे, या फिर अगर आप अपने बारे में कुछ लिखते हैं, तो जो सच्चाई है वही तो लिखेंगे ना, तो ये नॉन फिक्शनल हो गया। या फिर आप मान लेते हैं कि हाथी पर निबंध लिखना चाहते हैं, तो हाथी के बारे में जो भी आप जानते हैं कि वो मोटा होता है, तगड़ा होता है, दो दिखाने के दांत होते हैं, अंदर खाने के दांत और होते हैं, सूंड होता है, केला का पत्ता खाता है, यही सब चीज़ें वो आप लिखेंगे, तो ये सारी चीज़ें सच्चाई है ना, तो ये क्या है, नॉन फिक्शनल होंगी। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। तो प्रोज को कैसे लिखा जा सकता है, काल्पनिक फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है और अकाल्पनिक फॉर्मेट में भी लिखा जा सकता है। मतलब कुछ जो कहानियां होंगी या जो कुछ स्टोरीज होंगी या जो कुछ सिटिंग्स होंगी, वो फिक्शनल होंगी, कल्पनाओं से घिरी होंगी, और कुछ अकाल्पनिक होंगी, नॉन फिक्शनल होंगी, जो कि सच्चाई से घिरी होंगी। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब पोएट्री की बात करते हैं, और यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, जैसे कि बायोग्राफी। बायोग्राफी का मतलब हो गया आपको जीवनी, ऑटोबायोग्राफी मतलब आत्मकथा खुद के बारे में। आगे हम लोग इसको विस्तार से डिस्कस करेंगे, इन सबको हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे आगे। मेमोयर, मेमोयर का मतलब हो गया आपको संस्मरण होता है शायद, हाँ संस्मरण ही होता है मेमोयर का मतलब। मेमोयर रेखाचित्र संस्मरण, हाँ मेमोयर का मतलब एग्जैक्ट संस्मरण ही होता है। कभी कभी इसको लोग रेखाचित्र के एस्पेक्ट में भी यूज़ कर लेते हैं। तो संस्मरण में क्या होता है कि कोई अगर आपको मान लेते हैं कि जैसे महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी के बारे में आपको बहुत कुछ पता नहीं है, तो जो थोड़ा बहुत आपको जानकारी है, जो थोड़ी बहुत आपको इन्फॉर्मेशन है, उसके बेसिस पर अगर आप महात्मा गांधी के बारे में लिखते हैं, तो वो संस्मरण होगा। लेकिन अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में मैक्सिमम चीज़ें पता हैं, ज़्यादा चीज़ें पता हैं, तब आप उसके बारे में लिखते हैं, तो वो बायोग्राफी होगी। तो उसके बाद बात करते हैं एसे, शॉर्ट स्टोरीज, फेरी टेल्स, आर्टिकल, नोवेल, ब्लॉग, ये सब क्या हैं, तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ प्रोज हैं। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं पोएट्री के बारे में। पोएट्री कविता कह सकते हैं जिसको, या पद्य कह सकते हैं जिसको, हालांकि पद्य ये नहीं होगा, पोएट्री एग्जैक्ट कविता हो गई, और पद्य के लिए एक स्पेशल वर्ड यूज़ किया जाता है जिसे हम वर्स कहते हैं। तो वर्स और पोएट्री आर ऑलमोस्ट सेम, कोई दिक्कत नहीं है। तो
वही चीजें हमको मान के चलनी है। तो पोएट्री इज समथिंग दैट अराइजेस अ कंप्लीट इमेजिनेटिव फीलिंग बाय चूजिंग अप्रोप्रिएट लैंग्वेज एंड सेलेक्टिव वर्ड्स एंड अरेंजिंग देम इन अ मैनर दैट क्रिएट्स अ प्रॉपर पैटर्न राइम एंड रिदम। तो ऐसा है कि पोएट्री कुछ वैसा है जो कि कंप्लीटली इमेजिनेटिव होता है, कल्पनाओं से भरा होता है, सिर्फ और सिर्फ कल्पनाएं ही होती है, और इसको गढ़ने के लिए एक अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, जो एग्जैक्ट लैंग्वेज है, जो अच्छे लैंग्वेज हैं उसका यूज किया जाता है, और इसमें जो है ना सेलेक्टिव वर्ड्स को लिखा जाता है, चुने हुए गिने चुने हुए वर्ड्स को इसमें डाला जाता है, और अरेंजिंग देम इन अ मैनर, और उसको एक सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, और जब इसे सीक्वेंस में अरेंज करते हैं तब फिर सीक्वेंस में अरेंज करने के बाद इसमें से राइम निकल कर आता है और उसके बाद रिदम निकल कर के आता है। मतलब राइम क्या हो गया कि जिसमें कि आपको टू और मोर वर्ड्स के आइडेंटिकल साउंड सुनने को मिले और रिदम एक सीक्वेंस बन जाए, एक जो लाइन है उनका एक सीक्वेंस बन जाए। इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मुझे थोड़ा याद कर लेने दीजिए। हिंदी इंग्लिश में तो मुझे एग्जैक्ट अभी याद नहीं है, लेकिन हिंदी में, चूंकि आप लोग हिंदी, मैं भी हिंदी में ही बात कर रहा हूँ, तो हिंदी में अगर मैं बताऊँगा तो आप लोग तुरंत समझ जाएंगे। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर क्या बता दूँ, एक सेकंड याद कर लेने दीजिए, कैसे कैसे कौन सा एग्जाम्पल मैं लूँ। जैसे मैं आपको एक मतलब ऐसा मान लीजिए कि प्रेम से संबंधित मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए। यूं तो नसीबों की लिखी मजबूरियाँ हैं जो हमारे बीच इतनी दूरियाँ हैं। तो ये मैंने अभी बताया आप लोगों को, नसीबों की लिखी दूरियाँ हैं। मजबूरियां हैं, यहाँ मजबूरियां होना चाहिए। यूं तो नसीबों की लिखी मजबूरियां हैं जो हमारे बीच इतनी दूरियां हैं। तो यह क्या है, एक तरह से पोएट्री का एक एग्जांपल है, जिसको आप शायरी बोल लें, शॉर्ट पोएट्री कह सकते हैं। तो देखिए, तो इसमें अगर आप ऐसे इसको सीधे सीधे लिखे, सीधे सीधे ऊपर के मीनिंग को लिखे, सॉरी सीधे सीधे ऊपर वाले लाइन को लिखे, तो यू तो नसीबों की लिखी मजबूरियां हैं, तो इसका क्या मतलब हो रहा है। अगर हम नीचे वाले लाइन को ना लिखे, सिर्फ ऊपर वाले लाइन को लिखे, तो क्या इसका कोई मतलब होगा? नहीं होगा, समझ में नहीं आएगा कि क्या कहना चाह रहे हैं। यू तो नसीबों की लिखी मजबूरियां हैं, समझ में नहीं आएगा। तो इसी के साथ हमने क्या ऐड किया, तो जो हमारे बीच इतनी दूरियां हैं। तो मतलब ऐसा है कि यह देखिए, दोनों में से अगर हम अलग कर दे दोनों लाइंस को, तो इसमें इसका कोई कंप्लीट सेंस नहीं होगा। तो दोनों सेंटेंस को जोड़ा गया है और दोनों सेंटेंस अपने आप में इनकम्प्लीट है, लेकिन जब हम दोनों को जोड़ देते हैं तो यह एक कंप्लीट मीनिंग देता है कि नसीब में कुछ ना कुछ कमजोरी है, कि जो दो प्रेमी और प्रेमिका है उनके बीच अभी भी दूरियां हैं। तो देखिए, ये बात आप लोगों के समझ में आ गई कि अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज किया जाता है, सेलेक्टिव वर्ड्स का यूज किया जाता है, और उनको अगर अरेंज किया जाता है एक निश्चित मैनर में, तभी पोएट्री क्रिएट होता है, और उसमें राइमिंग की बहुत अच्छी पकड़ होनी चाहिए, तभी पोएट्री क्रिएट हो सकता है। जैसे ये मजबूरियां, ये वाला जो मैंने अभी वर्ड लिया है ऊपर में, इस वाले वर्ड को जो मैंने इंडिकेट किया है, मजबूरियां और ये दूरियां, ये दोनों आपस में राइमिंग वर्ड्स हैं, क्योंकि ये दोनों आपस में मैच कर रहे हैं, मजबूरियां और दूरियां, और इन दोनों के मिलने के बाद अब इन दोनों लाइन को अगर मिला दे तो उसका क्या हो रहा है कि एक निश्चित रिदम बन रहा है, एक लय बन रहा है, कि यूं तो नसीबों की लिखी मजबूरियां हैं, कि यूं तो नसीबों की लिखी मजबूरियां हैं जो हमारे बीच इतनी दूरियां हैं। तो यही क्या है, पोएट्री है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, और इसको कोई अन्यथा ना ले, मतलब मैंने बस एग्जांपल के तौर पर ये बताया है, आप लोग कुछ विशेष मीनिंग ना निकालिएगा। खैर, आगे बढ़ते हैं। पोएट्री यूज एन आर्टिस्टिक वे टू कम्युनिकेट समथिंग स्पेशल, म्यूजिकल इनोटेशन ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स टू एक्सप्रेस और डिस्क्राइब इमोशंस, मोमेंट, आइडियाज, एक्सपीरियंस, फीलिंग एंड थॉट्स ऑफ द पोएट टू द ऑडियंस। द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ पोएट्री इंक्लूड लाइंस, कपलेट, स्ट्रॉप्स, स्टांजा, इटीसी। तो ऐसा है कि पोएट्री जो है ना एक आर्टिस्टिक वे का यूज करता है, जैसे कि कभी कभी म्यूजिकल इनोटेशन, जो आपको संगीत वाला लय है उसका यूज करता है, और कभी कभी जो है सिंपल लाइन्स का यूज करके क्या करता है, तो पोएट्री जो है वो इमोशंस, जो भावनाएं हैं, मोमेंट्स, जो वक्त है, जो आइडियाज है, जो एक्सपीरियंस है, वो उन सबको ऑडियंस के सामने रखता है। तो पोएट्री क्या करता है, तो एक तरीका है जिसके माध्यम से
किसको रखा जा सकता है ऑडियंस के सामने, तो इमोशंस को, मोमेंट्स को, आइडियाज को, एक्सपीरियंस को, फीलिंग्स को और थॉट्स को। और जो ये जो वे है, जो तरीका है, उसमें कैसे किन चीज़ों का यूज होता है, तो म्यूजिकल इनोटेशंस का यूज होता है या फिर नॉर्मल लाइंस का यूज होता है। और जो ये स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है पोएट्री का, उसमें क्या हम देखते हैं, तो लाइंस देखते हैं, कपलेट्स देखते हैं, स्टांजा देखते हैं या फिर स्ट्रॉफी देखते हैं। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब है कंपैरिजन चार्ट। तो देखिए मीनिंग की बात करें, देखिए यहाँ पर एक नॉर्मल कंपैरिजन है प्रोज और पोएट्री का, तो हम लोग इसको अभी देख लेते हैं। तो प्रोज जो है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, सीधा साधा होता है, सीधा साधा फॉर्मेट है लिटरेचर का। और वेयर इन द ऑथर एक्सप्रेसेस हिज थॉट्स एंड फीलिंग्स इन ल्यूसिड वे, स्पष्ट तरीके से। प्रोज में क्या होता है, तो ऑथर अपने फीलिंग्स को ऑडियंस तक पहुंचा देता है एकदम नॉर्मल तरीके से। वहीं अगर पोएट्री की बात करते हैं, तो ये ऐसा फॉर्म है लिटरेचर का जिसमें कि पोएट जो कवि है या जो लेखक है, वो एक यूनिक स्टाइल का यूज करता है और यूनिक रिदम का यूज करता है, और उसके माध्यम से वो अपने एक्सपीरियंस, अपने मोमेंट्स, अपने आइडियाज को किस तक पहुंचाता है, तो वो अपने दर्शक तक पहुंचाता है या अपने ऑडियंस तक पहुंचाता है। लैंग्वेज स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है प्रोज में, जो होता है, जो प्रोज जो गद्य है उसका लैंग्वेज बहुत ही सिंपल होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, जबकि पोएट्री का जो लैंग्वेज है वो एक्सप्रेसिव और डेकोरेटेड होता है, मतलब कल्पनाओं से भरा होता है। और इसमें डेकोरेटेड मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि एडेड फ्लेवर्स चढ़ा होता है। किस चीज़ का एडेड फ्लेवर चढ़ा होता है, तो मक्खन मस्के का एडेड फ्लेवर चढ़ा होता है। नेचर प्रैग्मेटिव होता है, इमेजिनेटिव होता है। देखिए प्रैग्मेटिव हो गया मतलब ऑलमोस्ट वास्तविक लगता है, जो लाइनें लिखी गई हैं उसका एक निश्चित मीनिंग होता है। और ये जो नेचर है पोएट्री का वो इमेजिनेटिव होता है, कल्पनाओं से भरा हुआ, तो मतलब सीधे तौर पर आपको समझ में नहीं आएगा कि ये लाइनें कह क्या रही है। जैसे कि ऊपर में मैंने आपको एग्जांपल दिया, एसेंस मैसेज और इन्फॉर्मेशन। तो नॉर्मली प्रोज में क्या होता है कि मैसेज और इन्फॉर्मेशन दिए जाते हैं, जैसे कि राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, जबकि पोएट्री में एक्सपीरियंस, आइडियाज ये और फिर मोमेंट्स जो है वो कैप्चर करके ऑडियंस के सामने रखे जाते हैं। पर्पस, तो इन्फॉर्मेशन और मैसेज को कन्वे करने के लिए प्रोज का यूज किया जाता है। और उसके बाद पोएट्री जो है वो डिलाइट और एम्यूज, खुशी और दुख और आपको एम्यूज आश्चर्यता को व्यक्त करने के लिए पोएट्री का यूज किया जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब आगे बढ़ते हैं। तो उसके बाद आगे है कि आइडियाज। तो जो आइडियाज होता है प्रोज के अंदर वो सेंटेंस में पाए जाते हैं, और इन सभी सेंटेंस को एक पैराग्राफ में अरेंज किया जाता है, जबकि पोएट्री के अंदर जो आइडियाज होते हैं वो लाइंस में पाए जाते हैं, और इन सभी लाइंस को स्टांजाज के अंदर अरेंज किए जाते हैं। लाइंस ब्रेक प्रोज के अंदर, जो गद्य है उसके अंदर लाइंस ब्रेक देखने को नहीं मिलता, जबकि पोएट्री के अंदर सिर्फ और सिर्फ लाइंस ब्रेक ही देखने को मिलता है, टूटी फूटी लाइनें ही देखने को मिलती है। पैराफ्रेजिंग इसका पॉसिबल है, जबकि पोएट्री का एग्जैक्ट पैराफ्रेजिंग पॉसिबल नहीं है। पैराफ्रेजिंग का मतलब अगर कोई इसको प्रोज को अगर कोई कन्वर्ट करने की कोशिश करे दूसरे तीसरे लैंग्वेज में या दूसरे तीसरे तरीके से उसको लिखने की कोशिश करे, तो वो उसका पॉसिबल है, प्रोज को पॉसिबल है ऐसा करना, जबकि पोएट्री के साथ एग्जैक्ट पैराफ्रेजिंग पॉसिबल नहीं है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे, आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब अगला क्वेश्चन है कि जो प्रोज है उसको डिफाइन कीजिए। एक सेकंड में कलर चेंज कर देता हूं। और फिर यहां पर एक चीज मैंने छोड़ दिया, सॉरी, अबाउट में यहां टी लगना चाहिए था। तो जो डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोज है उसके बारे में बताइए, या फिर आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी और पर्सुएटिव जो टेक्स्ट होते हैं, जो प्रोज होते हैं, उसके बारे में डिस्कस कीजिए, या फिर डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव, एक्सपोजिटरी और जो पर्सुएसिव टेक्स्ट हैं या जो प्रोज हैं उसको डिफरेंशिएट कीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर टेक्स्ट लिया है मैंने, टेक्स्ट या प्रोज आप कुछ भी लेंगे चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसी के बारे में हमें भी डिस्कस करना है। तो सबसे पहले जो क्वेश्चन है कि व्हाट इज मीन्ड बाय प्रोज, इसको तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं, तो आई थिंक इसको बताने की आवश्यकता है नहीं। अब जो डिफरेंट राइटिंग स्टाइल्स है, जो डिफरेंट अभी ऊपर मैंने आपको बताया ना, क्या कहते हैं, डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्रोज, तो उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो देखिए दोस्तों जो डिफरेंट राइटर्स हैं वो अलग अलग तरीके से स्टोरी लिखते हैं या फिर अलग अलग तरीके से प्रोज लिखते हैं, गद्य लिखते हैं। कुछ जो राइटर्स हैं वो बहुत अच्छा राइटिंग करते हैं, डरावनी स्टोरीज लिखते हैं, और कुछ जो हैं बहुत अच्छी मतलब मधुर वाली जो ड्रामेटिक वाली स्टोरीज है वो लिखते हैं। तो हम ये देखते हैं निजी जिंदगी में कि प्रतिदिन डिफरेंट स्टाइल्स में लेखन किए जाते हैं, जीनर्स क्रिएट किए जाते हैं। और उसके बाद हम ये भी देखते हैं कि अभी के दौर में, चूंकि अभी तो जितने भी नॉवेल्स हैं, उसके बाद ड्रामास हो गए, पोएम्स हो गए, वो ऑलमोस्ट सिनेमा घरों में आ गए हैं।
जिसे हम इवॉल्व फॉर्म ऑफ ड्रामा, इवॉल्व फॉर्म ऑफ नॉवेल या इवॉल्व फॉर्म ऑफ प्रोज कहते हैं। तो ये जो सिनेमा घर है इसमें भी हम देखते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट तरीके के मूवीज या डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में मूवीज जो है वो बना करके पेश किए जाते हैं। तो ये सब जो है ना, द वे इन विच वन एक्सप्रेस हिज और हर आइडिया और थाउट फॉर्म्स डिफरेंट राइटिंग स्टाइल, तो मतलब ये सब जो डिफरेंट डिफरेंट आइडियाज हैं जिसके जिसके माध्यम से कि कोई भी राइटर अपने आइडियाज और थाउट्स को व्यक्त करता है, तो उसे हम अलग अलग स्टाइल्स में क्लासीफाई करते हैं। और फिर और ये जो मेन तरीके का जो क्लासीफिकेशन है, जो चार क्लासीफिकेशन है, वो कुछ इस तरह से हैं, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, पर्सुएटिव और नरेटिव। मतलब कोई भी राइटिंग हो, जितनी भी राइटिंग आप देखते हैं, वो सब डिफरेंट डिफरेंट तरीके से जो लिखा जाता है, तो उसका एक क्लासिफिकेशन है, मतलब एक डिफरेंट राइटिंग स्टाइल है। हर राइटर एक डिफरेंट राइटिंग स्टाइल को ध्यान में रख के ही कुछ चीज़ें लिखता है। तो उसमें से जो मेन राइटिंग स्टाइल है वो चार है, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, पर्सुएटिव जिसे हम आर्ग्यूमेंटिव कहते हैं, या फिर जिसे हम नैरेटिव कहते हैं। और इसके लिए यहाँ पर एक मैंने ग्राफ लिया हुआ, एक माइंड मैप लिया हुआ। देखिए, स्टाइल्स ऑफ राइटिंग की बात करें तो एक्सपोजिटरी है, नैरेटिव है, डिस्क्रिप्टिव है और पर्सुएटिव है, और पर्सुएसिव है, सॉरी। ये जो तीसरा वाला है ना पर्सुएसिव, ये आपके बुक में नहीं है, लेकिन मैंने इसको ऐड कर दिया है ताकि अगर आप लोगों से पूछा जाए तो आप लोग लिख पाए। तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं कि अब हम लोग जो है ना इसको डिटेल में डिस्कस करते हैं, इन चारों को। सबसे पहला एक्सपोजिटरी टेक्स्ट, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट या एक्सपोजिटरी प्रोज। तो ये जो मेन पर्पस होता है इस एक्सपोजिटरी प्रोज का, वो होता है एक्सप्लेन करना, डिटेल बताना। एक सेकंड, मैं इसको पतला कर देता हूं। जो एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है इसमें ऑथर जो है ना फोकस करता है, इम्फासाइज ऑन टेलिंग और एक्सप्लेनिंग अ गिवन टॉपिक और सब्जेक्ट। तो जो ये इस तरह की एक्सपोजिटरी राइटिंग होती है इसमें ऑथर जो है ना क्या करता है, तो फोकस करता है और एक किसी डिफिनिट सब्जेक्ट को चुनता है और उसी को इम्फासाइज करता है और उसी को एक्सप्लेन करता है। दिस इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ राइटिंग। देर इज नो प्लेस फॉर द राइटर्स ओपिनियन, इमोशंस, बायसेस और पॉइंट ऑफ व्यू। द मेन मोटिव ऑफ दिस राइटिंग स्टाइल इज टू स्प्रेड इन्फॉर्मेशन। तो देखिए, यह जो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट जो है, यह मोस्ट कॉमन टाइप है राइटिंग का, या मोस्ट कॉमन राइटिंग स्टाइल है। इसमें मैक्सिमम सभी लोग लिखते हैं और यहाँ पर राइटर्स, लिखने वाले के ओपिनियन की कोई जगह नहीं होती है। लिखने वाला इसमें अपना कोई इमोशन ऐड नहीं कर सकता है, या फिर इसमें अपना कोई पॉइंट ऑफ व्यू ऐड नहीं कर सकता। जो मेन मोटिव होता है एक्सपोजिटरी राइटिंग का, वो होता है स्प्रेड इंफॉर्मेशन, सूचनाओं को फैलाना, एक जगह से दूसरे जगह पहुंचाना। जैसे अगर आपको बोले कि द एलिफेंट पर ऐसे लिखिए, या फिर आपकी जो कंट्री इंडिया है, सॉरी CONTRY होगा, जो कंट्री इंडिया है उसके बारे में बताइए, तो आप जो है इन दोनों चीजों पर अगर डिस्क्रिप्टिव चीजें लिखेंगे, या जो जो भी डिस्क्रिप्शन आप लिखेंगे, तो उसमें आप क्या लिखेंगे, जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, जो रियलिटी है, वही तो लिखेंगे। और जो एलिफेंट के बारे में आप लिखेंगे, तो जो भी आप लिखेंगे तो वही चीज जो है एज अ इंफॉर्मेशन, दूसरा कोई पढ़ेगा तो उसको पता चलेगा कि एलिफेंट क्या खाता है, तो केले का पत्ता खाता है, मोटा ताजा जानवर होता है, सभ्य जानवर होता है, उसके बाद आपको इसके दो बड़े बड़े दांत होता है। तो ये सब क्या है, एक तरह से इंफॉर्मेशन है। तो यही क्या होगा, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होगा। अब हाइलाइट्स की बात कर लेते हैं, किन किन सेक्टर्स में मतलब इसका हाइलाइट्स है, या हम कह ले कि जो इसका मेन आपको मोटिव कह ले वही है। यहाँ पर मैंने इसको एक लाइनिंग में डाल दिया है, एक सिस्टमेटिक अरेंजमेंट इसका कर दिया। तो इट हैज फैक्ट्स एंड फिगर। जो भी एक्सपोजिटरी टेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसमें हम क्या देखते हैं, फैक्ट्स देखते हैं या फिर फिगर्स देखते हैं। ऑर्गेनाइज्ड इन अ लॉजिकल ऑर्डर एंड इन अ प्रॉपर सीक्वेंस। और ये जो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट होता है, यह एक लॉजिकल ऑर्डर और एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज होता है, और यह किसी न किसी सब्जेक्ट को एक्सप्लेन करता है। अब हम इसके एरिया ऑफ यूजेस की बात करते हैं, जैसे टेक्स्ट बुक राइटिंग हो गया, बिजनेस राइटिंग हो गया, रिसर्च पेपर्स, इंसाइक्लोपीडिया, टेक्निकल राइटिंग, एसे और रिपोर्ट्स, ये सब क्या है, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट के एरिया ऑफ यूजेज है। मतलब अगर हम इन सब क्षेत्रों में लेखन करते हैं तो हम कैसे लेखन करते हैं, तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट में लेखन करते हैं। इसमें लेखन करते हैं एक्सपोजिटरी टेक्स्ट। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। जैसे आप लोग टेक्स्ट बुक राइटिंग करते हैं, जैसे कि मान लेते हैं अभी मैं आप लोगों को ये जो स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, अगर आप लोग इसको लिखेंगे अपने कॉपी पर, तो जो मैंने लिखी है, जो भी बातें मैंने लिखी, एग्जैक्ट आप लोग उसको कॉपी करेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि आप बीच में कुछ घुसा देंगे, कुछ ऐड कर देंगे अपने मन से, इंग्लिश में पॉलिटिकल साइंस ऐड कर देंगे। तो जो इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है वही तो आप
वहाँ नोट करेंगे, या फिर मैंने जो स्क्रीन पर लिखा है तो यह भी एक तरह से टेस्ट बुक राइटिंग ही हो गया ना, बिजनेस राइटिंग। अब जो बिजनेस मान लेते हैं आप कर रहे हैं, उसमें जो आप राइटिंग करेंगे तो उसमें आप यही ना राइटिंग करेंगे कि हाँ आज इतना नुकसान हुआ, इतना घाटा हुआ, इतना फायदा हुआ, इतना प्रॉफिट हुआ, आज यहाँ से माल आया, आज यहाँ इतने का माल सेल हुआ, यही तो करेंगे ना। तो ये क्या है, इन्फॉर्मेशन देने के लिए ही तो है। रिसर्च पेपर जो आप तैयार करते हैं काफ़ी सावधानियों से ही तो रिसर्च पेपर आप तैयार करते हैं, जिसमें आप क्या करते हैं, सिर्फ फैक्ट्स लिखते हैं, डिटेल्स लिखते हैं, फिगर्स देते हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स देते हैं, और इसको आप लॉजिकल ऑर्डर और एक प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। ऐसा तो नहीं है कि आप रिसर्च पेपर को आधा अधूरा, आधा आप इंग्लैंड से उठाते हैं कंटेंट, आधा विलायत से उठाते हैं और उसको सबको मिला देते हैं, मिक्स करके, जैसे कि होता है ना छप्पन भोग बना के परोस दिए तो वैसा कर देते, ऐसा तो नहीं करते। इंसाइक्लोपीडिया, इंसाइक्लोपीडिया आप विकीपीडिया बहुत देखे होंगे, गूगल क्रोम पे सर्च करते होंगे तो विकीपीडिया वो जस्ट एक डिजिटल फॉर्म ऑफ इंसाइक्लोपीडिया है। उसके अंदर जो भी चीज़ें आप देखते हैं वो बस क्या है, फैक्ट एंड फिगर्स है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है जो कि एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। तो वो सब क्या है, एक्सपोजिटरी टेक्स्ट है। ऐसे जो आप लिखते हैं जैसे कि द एलिफेंट वाला मैंने एग्जांपल दिया, रिपोर्ट्स जो आप तैयार करते हैं जैसे इंडिया कंट्री पर आपको रिपोर्ट तैयार करना है, भारत में जो गरीबी है उस पर रिपोर्ट तैयार करना, तो सच्चाई लिखेंगे ना आप, तो ये एक्सपोजिटरी टेक्स्ट का एग्जाम्पल होगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ दिए गए हैं वो आप देख लीजिएगा। सैंपल, एलिफेंट वाला सैंपल वो मैं आपको दे चुका हूँ, वो मैं आपको बता चुका हूँ। सैंपल मतलब एग्जाम्पल कह सकते हैं इसको, तो एक्सपोजिटरी टेक्स्ट का एग्जाम्पल हम लोग दे चुके हैं। परसुएसिव और आर्ग्यूमेंटिव, तो द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू कन्विंस, इट कंटेन्स द ओपिनियन, थॉट्स एंड बायसेस ऑफ द ऑथर, द राइटर यूजेज जस्टिफिकेशन, आर्ग्यूमेंट्स एंड रीजंस टू मेक द रीडर्स एग्री टू हिज और हर पॉइंट्स। तो ये जो परसुएसिव और जो आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट होते हैं, इसका मेन पर्पस होता है कन्विंस करना, ठीक है। जैसे कि मैं आपसे बातें कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं कभी आपसे पूछता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, तो ये जो मैं आपसे जो राय मांग रहा हूँ यह भी एक तरह से परसुएसिव टेक्स्ट का एग्जांपल है, टेक्स्ट का एग्जांपल है। या फिर इट कंटेन्स द ओपिनियन, बीच बीच में मैं अपने ओपिनियन दे देता हूँ, अपने विचार दे देता हूँ, कभी कभी मैं डायलॉग मार देता हूँ, कभी कभी मैं विचार दे देता हूँ। जैसे कि मैं भी आपको ऊपर में बता रहा था कि कैसे कितने कितने ब्लॉग्स हैं और कैसे हम इसको डिस्कस करेंगे, तो उसमें मैंने आपको अपने विचार ही बताए ना कि हम इसको ऐसे ऐसे तोड़ तोड़ के डिस्कस करेंगे। तो ये सब एक तरह से कैसा एग्जांपल हो गया, तो परसुएसिव टेक्स्ट का एग्जांपल हो गया। इसमें राइटर क्या करता है, जस्टिफिकेशन यूज करता है। जैसे मैंने जस्टिफिकेशन दिया था कि हाँ दो ब्लॉक्स ऐसे डिस्कस करेंगे और दो ब्लॉक्स को आगे डिस्कस करेंगे। आर्ग्यूमेंट बहस को इन्वॉल्व करता है, जैसे कि मैं अभी बहस कर रहा हूँ। रीजंस कारण बताता है, जैसे कि मैंने आपको कारण बताया कि कैसे कैसे दो ब्लॉक्स एक बार आएगा, कैसे दो ब्लॉक्स दूसरी बार आएगा, मतलब मैंने रीजन ये बताया कि हाँ वीडियो जो है वो लंबा हो जाएगा अगर एक साथ जोड़ दे दो, इसीलिए मैंने वीडियो को दो पार्ट में बांटने का फैसला किया। तो ये रीजन है वीडियो को दो पार्ट में बांटने का। तो आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब है कि हाइलाइट्स, ये जो परसुएसिव टेक्स्ट है या आर्गुमेंटिव टेक्स्ट है, इसके हाइलाइट्स। तो इट आस्क द रीडर्स टू डू समथिंग फॉर द सिचुएशन, तो यह रीडर्स को कहता है कि जो सिचुएशन है उसके लिए कुछ कीजिए। और इट हैज रीजंस, आर्ग्यूमेंट एंड जस्टिफिकेशन, तो रीजंस मैंने बता दिए, आर्ग्यूमेंट्स बता दिए और जस्टिफिकेशन बता दिए, सब कुछ बता दिए। एरिया ऑफ यूजेज, स्पीचेज, भाषण, जैसे कि मैं अभी दे रहा हूं भाषण, तो ये क्या है, परसुएसिव या आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। कवर लेटर्स, एडिटोरियल पीस, लेटर ऑफ कंप्लेंट्स, लेटर ऑफ रिकमेंडेशन, न्यूज़पेपर ओपिनियन, रिव्यू, क्रिटिकल एनालिसिस, बिजनेस आइडिया, एडवर्टीजमेंट ऑफ कमर्शियल्स, तो ये सब क्या है, परसुएसिव या फिर आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट का एग्जांपल है। जैसे रिव्यू, अभी जो है मैं अभी आपको बुक के एक तरह से रिव्यू को ही बता रहा हूँ, जैसे ये जो बुक है BEG 141, इसकी रिव्यू ही तो कर रहा हूँ मैं, इसी के बारे में तो बता रहा हूँ, इसी की जो डिटेल है वही तो बता रहा हूँ। या फिर आप इसको क्रिटिकल एनालिसिस भी बोल सकते हैं, पूरे बुक को एक तरह से मैं एक ही वीडियो में एनालिसिस करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये सब क्या, परसुएसिव या फिर आर्ग्यूमेंटिव टेक्स्ट है। सैंपल, आवर स्टोर हैज़ द लोवेस्ट प्राइस एंड द बेस्ट कलेक्शन ऑफ फुटवेयर इन द इंटायर टाउन, तो एक स्टोर वाला है वो कहता है कि भैया देखिए जो मेरा स्टोर है यहाँ पर हर प्रोडक्ट की प्राइस लोवेस्ट है, कम से कम है, और हमारे पास बेस्ट कलेक्शन ऑफ फुटवेयर्स हैं, जो जूते चप्पल हैं उसके बेस्ट कलेक्शन है पूरे के पूरे शहर के अंदर, इससे सस्ता और इससे अच्छा कलेक्शन आपको कहीं नहीं मिलेगा। विजिटर्स, जल्दी आइए, टुडे, आज ही आइए, फॉर ग्रेटर एक्सपीरियंस, अच्छे एक्सपीरियंस के लिए आज ही आइए, एंड LMN मैट्रेस इज वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल वन यू विल ईवर स्लीप ऑन, हाईली रिकमेंडेड बाय डॉक्टर्स, गिव योरसेल्फ अ पीसफुल स्लीप
टुडे। और इसी के स्टोर के अंदर एक LMN स्टोल मैट्रेस भी है, वो गद्दा होता है ना जो आप बेड पर रख के सोते हैं। तो वो कहता है, स्टोर वाला कहता है कि भैया देखिए हमारे पास मोस्ट कंफर्टेबल गद्दा है जिसको कि डॉक्टर्स भी रिकमेंडेड करते हैं, आइए हमसे गद्दा ले जाइए और इस पर मस्त आराम से सो जाइए। तो यह एक सैंपल है आर्ग्यूमेंटिव और पर्सुएसिव टेक्स्ट का। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर मैंने आपको हाइलाइट्स में बताया है कि यह क्या मांगता है, रीडर से ओपिनियन मांगता है या रीडर्स को उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग कुछ करने को कहता है। जैसे कि इस स्टोर के अंदर कम से कम प्राइस में आपको जूते चप्पल मिल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रीडर्स जो इसको पढ़ेगा तो वो भागा भागा उधर जाएगा कि भैया कम प्राइस में मिल रहा है, आज ही हथिया लेते हैं। तो यह क्या है, पर्सुएसिव टेक्स्ट है। ठीक है, आई बात समझ में। तीसरा है डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट, या फिर इसको हम डिस्क्रिप्टिव प्रोज भी बोल सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं। द मेन पर्पस ऑफ दिस टाइप ऑफ राइटिंग इज टू डिस्क्राइब, इट फोकसेस ऑन डिस्क्राइब अ कैरेक्टर, ए प्लेस, एन इवेंट, एन ऑब्जेक्ट और एन एक्शन। देयर इज अ वेरी स्लाइट डिफरेंस बिटवीन एक्सपोजिटरी एंड डिस्क्रिप्टिव राइटिंग स्टाइल्स। द डिस्क्रिप्टिव स्टाइल इज मोर डिटेल्ड, पर्सनल एंड सब्जेक्टिव। तो ऐसा है कि ऊपर मैंने आपको एक एक्सपोजिटरी राइटिंग के बारे में बताया, उसमें मैंने आपको बताया कि उसका मेन पर्पस होता है इंफॉर्मेशन स्प्रेड करना। तो जो एक्सपोजिटरी है और जो डिस्क्रिप्टिव है ये ऑलमोस्ट सेम होते हैं, लेकिन जो डिस्क्रिप्टिव है इसमें डिस्क्रिप्शन ज्यादा मात्रा में होता है। जैसे कि अगर आपको बोले कि नॉर्मल एसे लिखना है तो आप उसको क्या कहेंगे कि आप एक तरह से, जैसे कि मान लेते हैं आपको द एलिफेंट पर नॉर्मल एसे लिखना है तो आप उसको एक्सपोजिटरी राइटिंग में लेंगे। या फिर अगर आपको भारत के बारे में बोले कि भारत में जो गरीबी है उसके बारे में बताइए, तो उस समय जो आप लेखन करेंगे तो वह एक एक्सपोजिटरी राइटिंग होगा। लेकिन अगर हमसे ये पूछा जाए कि भैया भारत को विस्तार पूर्वक समझाइए, भारत की भौगोलिक जो क्षमता है या जो भारत का भौगोलिक विस्तार है वो बताइए, साथ ही आपसे ये भी पूछ दे कि भारत की जो संस्कृति है वो बताइए, तब उस समय जो आप लिखेंगे तो वो क्या होगा, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा, क्योंकि उसमें आपने बहुत सारी बातों को समाहित किया है, डीप नॉलेज और जो डीप फैक्ट्स हैं आपने उसके अंदर समाहित किए हैं, तो वो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है वो क्या करता है, तो किसी कैरेक्टर को फोकस करता है, किसी कैरेक्टर को डिस्क्राइब करता है। जैसे कि आप किसी नोवेल को ले लेते हैं, किसी नोवेल के अंदर मान लेते हैं कि एक नोवेल, अभी ऊपर मैंने बाथशेबा एवरडीन वाला दिया था आप लोगों को एग्जांपल, द अवेकनिंग था। तो द अवेकनिंग जो नोवेल है उसमें एक कैरेक्टर है बाथशेबा एवरडीन, जब आप उसको पार्शियली या फिर कंप्लीटली डिस्क्राइब करेंगे तो वह क्या होगा, एक तरह से डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट होगा। आप किसी प्लेस को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के अंदर जाएगा। और जो डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो स्टाइल होता है या जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट का जो स्टाइल होता है वो मोर डिटेल वाला होता है, पर्सनल होता है और सब्जेक्टिव होता है। हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यह फिगर ऑफ स्पीच डिटेल में डील्स करता है, और द राइटर मेक्स द रीडर्स फील, हियर एंड विजुअलाइज द सिचुएशन द वे ही वांट्स। तो ऐसा है कि जब कोई राइटर डिस्क्रिप्टिव राइटिंग लिखता है तो वो कोशिश करता है कि जो ऑडियंस है उसको वो जो लिखा हुआ कंटेंट है उसको फील करा सके, उसको हियर सुना सके और उसको विजुअलाइज करवा सके। तो ये होता है हाइलाइट्स। अब है इट डिस्क्राइब प्लेस, पीपल, इवेंट, सिचुएशन और लोकेशन इन अ हाईली डिटेल्ड मैनर। तो ये जो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट है यह प्लेस, पीपल, इवेंट, सिचुएशन और लोकेशंस को एक हाईली डिटेल्ड मैनर में डिस्क्राइब करने की कोशिश करता है। अगर पोएट्री लिखते हैं तो वो डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट में आएगा। नोवेल, डायरी राइटिंग, प्लेज, जो प्ले आप इसको ड्रामा भी बोल सकते हैं, तो ड्रामा ये सब भी डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के अंदर ही आएगा। जर्नल राइटिंग यह भी एक डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट के अंदर आएगा। जैसे एक सैंपल है कि एक ग्रैंड एग्जीबिशन वाज हेल्ड इन द टाउन, द फर्स्ट इंप्रेशन ऑन एंटरिंग द ग्राउंड वाज ऑफ वॉकिंग इन सेम फेरी लैंड, द वास्ट स्पेस वाज डेकोरेटेड विथ सो मेनी कलरफुल लाइट्स, द स्टॉल्स देयर वेयर लाइक स्मॉल शॉप्स एंड दे हैड ऑल नीडफुल आइटम्स, ऑल टाइप्स ऑफ एम्यूजमेंट कुड बी सीन। तो एक ग्रैंड एग्जीबिशन लगा है किसी टाउन में, और फर्स्ट इंप्रेशन जब हम एंटर करते हैं या कोई एंटर करता है उसके ग्राउंड में, तो वो देखता है एक तरह से फेरी लैंड की तरह है वो। और जब आगे बढ़ते हैं तो हम ये देखते हैं, या कोई बंदा अगर उसमें एंटर करता है उस ग्रैंड एग्जीबिशन में, तो वो ये देखता है कि एक बड़ा सा स्पेस है जिसको कि डेकोरेट किया गया है,
किससे, तो कलरफुल लाइट से, काफी सारे कलरफुल लाइट से। और वहां पर कई सारे स्टॉल्स लगाए गए हैं, ऐसा लगता है कि ये सब छोटी छोटी दुकानें हो और यहाँ पर जरूरत की हर चीजें अवेलेबल हैं। और यहाँ पर ऑल टाइप्स ऑफ एम्यूजमेंट, हर तरह की एम्यूजमेंट जो है वो यहाँ पर देखी जा सकती है। तो ये कैसा है, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का एक अच्छा खासा एग्जाम्पल है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब कि द चिल्ड्रेन वेयर इंजॉइंग द राइड ऑन द मेरी गो राउंड द गेंट व्हील रेलवे ट्रेन एंड अदर द एक्साइटमेंट एंड जॉय कुड बी सीन इजली। और जो बच्चे हैं उस एग्जीबिशन के अंदर वो राइड कर रहे हैं मेरी गो राउंड, गेंट व्हील पे, रेलवे ट्रेन और फिर अदर्स चीज़ों पे, और जो एक्साइटमेंट है, जो उत्साह है और जो खुशी है, जो जॉय है, जो हैप्पीनेस है, वो आसानी से देखा जा सकता है। तो ये क्या हो गया, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो गया, डिस्क्रिप्टिव टेक्स्ट हो गया। अब बात करते हैं नैरेटिव। द मेन पर्पस ऑफ दिस राइटिंग इज टू टेल और नरेट अ स्टोरी। द राइटर्स क्रिएट डिफरेंट कैरेक्टर्स एंड टेल्स यू व्हाट हैपेंस टू देम। द राइटर यूज फर्स्ट पर्सन नरेशन। नरेटिव राइटिंग इज मोस्टली पर्सनल, इमेजिनेटिव एंड सेल्फ एक्सप्रेसिंग। तो जो नरेटिव राइटिंग होता है, कथनात्मक इसको कह सकते हैं, या कथनात्मक या फिर आप इसको कथनात्मक ही होगा। तो नैरेटिव राइटिंग जो होता है, इसमें क्या होता है कि कोई एक स्टोरी को नरेट किया जाता है, किसी एक कहानी को नरेट किया जाता है, और जो राइटर होता है वो कैरेक्टर्स को, डिफरेंट डिफरेंट चरित्रों को क्रिएट करता है और बताता है कि क्या क्या जो घटनाएं हैं इन कैरेक्टर्स के साथ घटित हुई हैं। और नैरेटिव जो टेक्स्ट होता है, इसमें मैक्सिमम केस में राइटर जो लेखक होता है वो फर्स्ट पर्सन नरेशन का यूज करता है, मतलब वो खुद को अपने जगह पर रख करके यूज करता है। और जो नैरेटिव राइटिंग है वो पर्सनल होता है, इमेजिनेटिव होता है और सेल्फ एक्सप्रेसिंग होता है। जो पर्सनल होता है, इमेजिनेटिव होता है, मतलब आप समझ लीजिए कि इमेजिन करने का मतलब क्या कह सकते हैं इसको, भाई सिंपल सिंपल चीज़ें मैं भूल जाता हूँ, क्या ही बताऊँ मैं, हाँ कल्पना। तो यह कल्पनाओं से भरा हो सकता है, सेल्फ एक्सप्रेसिंग, खुद को एक्सप्रेस करने का एक तरीका हो सकता है। द इंक्लूजन ऑफ डायलॉग्स, यूज ऑफ मेटाफोर, इमेजिनेटिव लैंग्वेज एंड फिगर ऑफ स्पीच, एडिशंस ऑफ इमोशनल वर्ड्स हैव अ बिगनिंग इंटरवल्स एंड एंडिंग। तो ऐसा है कि डायलॉग्स हो जिसमें मेटाफोर, आप मेटाफोर को कह सकते हैं जिसमें कि मुहावरे हो, इमेजिनेटिव लैंग्वेज हो और स्पीच का फिगर हो, इमोशनल वर्ड्स यूज किए गए हों और जिसकी बिगनिंग हो, स्टार्टिंग हो और बीच में विकास हो और साथ में एंडिंग हो, जैसे कि नॉवेल हो गया, शॉर्ट स्टोरी हो गई, पोएट्री हो गई। तो ये सब नैरेटिव टेक्स्ट के अंतर्गत आता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और मोस्ट प्रोबेबली आप लोग डिस्क्रिप्टिव और नैरेटिव में कन्फ्यूज हो गए होंगे, क्योंकि ऊपर में मैं आपको एक बार ऊपर की ओर लिए चलता हूँ, ऊपर में भी मैंने पोएट्री, नोवेल, डायरी राइटिंग, प्लेज इटीसी के इटीसी को ऐड किया है। और वो ऐड किया है मैंने किस में, तो ये मैंने ऐड किया है डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में। तो देखिए डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में डिस्क्रिप्शन टाइप जो पोएट्री नॉवेल्स होते हैं वो डाले जाते हैं, जबकि नैरेटिव राइटिंग में जो नैरेटिव वाले होते हैं उसको डाला जाता है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और नैरेटिव राइटिंग में मैक्सिमम नॉन फिक्शनल राइटिंग को ऐड किया जाता है, जैसे ऑटोबायोग्राफीज हो गया, एनेक्डोट्स हो गए, एनेक्डोट्स का मतलब हो गया उपाख्यान, स्क्रीन स्क्रिप्ट्स हो गए, प्ले हो गए, लीजेंड सॉन्ग्स, ये सब जो है किसके अंदर आता है, तो नैरेटिव टेक्स्ट के अंदर आता है। जैसे यहाँ पर एक एग्जांपल है, इट वाज अ हॉट सनी डे, काफ़ी गर्मी भरा दिन है, आई फाइनली विजिटेड डिज्नीलैंड, मैं डिज्नीलैंड गया। ये देखिए फर्स्ट पर्सन में है, ये फर्स्ट पर्सन में इसको डील किया गया है, और ये पर्सनली, ये खुद को सेल्फ एक्सप्रेसिंग वाला ये सैंपल है इसमें, कि एक राइटर खुद को एक्सप्रेस कर रहा है कि यह गर्मी का दिन है, मैं फाइनली डिज्नीलैंड मेला विजिट कर चुका हूँ। इट वॉज अ ड्रीम लैंड, यह एक ड्रीम लैंड था, आई ऑलवेज वॉन्टेड टू विजिट, यह मतलब एक तरह से सपनों में घूमने जैसा था, मेरे सपनों का यह शहर था। आई ऑलवेज वॉन्टेड टू विजिट देयर, मैं हमेशा से वहाँ जाना चाहता था, बींग देयर इट वॉज लाइक अ ड्रीम कम ट्रू एक्सपीरियंस, और ये मेरा ये सपना सच हुआ। ऑन इंटरिंग द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई सेड, ओह वाओ, व्हाट अ वंडरफुल प्लेस, पीपुल वे आर वॉकिंग एंड एन्जॉइंग देयर टाइम विथ ऑल द डिज्नी कैरेक्टर्स, चिल्ड्रन ओवर देयर वे आर सो हैप्पी एंड एक्साइटेड, आई थिंक इट इज़ अ मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरी वन। तो जब मैं वहाँ पहुँचा, जब मैंने फर्स्ट चीज, मतलब जैसे ही मैंने वहाँ एंट्री ली, तो फर्स्ट थिंग मेरे मुंह से निकला, जो पहली थिंग मैंने कही, जो पहली बात मैंने कही कि ओह वाओ, कितना सुंदर है, व्हाट अ ब्यूटीफुल प्लेस, कितना अच्छा है ये प्लेस, और जो पीपुल है, जो लोग हैं यहाँ घूम रहे हैं हंसी खुशी और डिज्नी कैरेक्टर्स के साथ मज़े ले रहे हैं, बच्चे तो और भी ज़्यादा उत्साहित हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर हर पीपुल को, हर आदमी को कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए।
तो ये क्या है, आपको नैरेटिव राइटिंग या नैरेटिव टेक्स्ट का एक एग्जांपल है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब अगला जो क्वेश्चन है वो है कि डिस्क्रिप्टिव द डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ सॉरी डिस्क्राइब द डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स ऑफ प्रोज या डिस्क्राइब डायरी और एसे नॉवेल इटीसी एज अ प्रोज फॉर्म। तो डायरी एसे नॉवेल इटीसी एक प्रोज है उसको डिस्क्राइब कीजिए, एक गद्य है कैसे है डिस्क्राइब कीजिए, या फिर जो डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स है उस जो प्रोज के उसको डिस्क्राइब कीजिए। ऊपर में मैंने वैरायटी ऑफ प्रोज डिस्क्राइब किया दोस्तों, नीचे में अभी जो मैं डिस्क्राइब करूंगा वो डिफरेंट लिटरेरी फॉर्म्स, आप लोग इसमें कन्फ्यूज मत हो जाइएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर एक माइंड मैप है। देखिए दोस्तों एक्चुअली इस माइंड मैप को अगर आप समझ जाएंगे तो आप बहुत सारी चीज़ें समझ जाएंगे। तो ऐसा है कि देखिए जो लिटरेरी जीनर्स हैं, एक सेकंड मैं इसको थोड़ा चेंज कर देता हूँ, थोड़ा मोटे थोड़े से मैं पेन टिप को मोटा कर देता हूँ। तो जो लिटरेरी जीनर्स हैं, लिटरेरी जीनर्स का मतलब हो गया कि जो आप साहित्य के जो जीनर्स हैं, साहित्य के जो शैली है उसमें से तीन मुख्य शैलियाँ हैं। कितनी मुख्य शैलियाँ हैं? तीन मुख्य शैलियाँ हैं, तीन डिफरेंट स्टाइल्स हैं लिटरेरी जीनर्स की। सबसे पहला है पोएट्री जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, उसके बाद है नैरेटिव एंड प्रोज जिसको कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पोएट्री को अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था थोड़ा बहुत, बाकी हमारे बुक का ये सेक्टर नहीं है, ये हम लोगों को डिस्कस नहीं करना है। और ये है ड्रामा, इसको भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं BEGE 142 में। तो ये तीन डिफरेंट स्टाइल्स हैं लिटरेरी जीनर्स के, जिसमें से कि एक हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं और ये वाला हम आज डिस्कस कर रहे हैं, और इसके बारे में थोड़ी बहुत हमने डिस्कस अभी की है, बाकी हमारे सेक्टर में ये आज आता नहीं है तो इसको हम लोग विशेष रूप से आगे डिस्कस नहीं करेंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, तीन डिफरेंट स्टाइल्स हैं, उसके बाद बात करते हैं जो लिटरेरी जीनर्स हैं इसके मूल रूप से दो कैटेगरीज होते हैं, एक तो फिक्शन होता है, दूसरा होता है नॉन फिक्शन। फिक्शन हो गया काल्पनिक, थोड़ी बहुत डिस्कशन हम पहले भी कर चुके हैं ऊपर में, और दूसरा हो गया नॉन फिक्शन अकाल्पनिक। काल्पनिक का मतलब हो गया कल्पनाओं से घिरा हुआ, मतलब जो हमारे मन मस्तिष्क में है लेकिन उसका पृथ्वी पर कोई एग्जिस्टेंस नहीं है या जिसमें कोई सच्चाई नहीं है। नॉन फिक्शन अकाल्पनिक मतलब कि जो सच्चाई से परिपूर्ण हो, जिसमें सच्ची घटना हो या जो सच्ची घटनाओं पर आधारित हो, तो हम उसे क्या कहेंगे? अकाल्पनिक कहेंगे। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब देखिए, अब फिक्शन की बात करते हैं। जो फिक्शन जो लिटरेरी जीनर है इसके दो इसके अगर फॉर्मेट की बात करें तो इसके दो फॉर्मेट हैं, एक है शॉर्ट फिक्शन, दूसरा है लॉन्ग फिक्शन। छोटा फिक्शन जो छोटी काल्पनिक बातें हैं उसको हम लोग शॉर्ट स्टोरी कहेंगे, जो बड़ी काल्पनिक बातें हैं जो कि हम लोग लिखते हैं तो उसे हम नोवेल कहेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अब नॉन फिक्शन में भी देख लेते हैं। एक होता है शॉर्ट नॉन फिक्शन, शॉर्ट नॉन फिक्शन जो छोटी छोटी असच्चाई घटनाओं पर आधारित होती है, और दूसरा होता है लॉन्ग नॉन फिक्शन फिक्शन जो कि बड़ी बड़ी सच्चाई घटनाओं पर आधारित चीज़ें होती है। अब जैसे शॉर्ट नॉन फिक्शन की बात करें, एसे, जैसे एलिफेंट पर एसे अगर लिखा जाए तो वो शॉर्ट नॉन फिक्शन है और यह एक तरह से एसे के अंदर आएगा। लॉन्ग नॉन फिक्शन की बात करें तो कोई बुक ले सकते हैं, जैसे कि भारत के बारे में, अगर भारत को विस्तार पूर्वक समझाना है तो भारत को जो विस्तार पूर्वक समझाया जाएगा तो यह एक नॉन फिक्शन बुक के अंतर्गत आएगा। जैसे कि भारत के भूगोल की बात करते हैं तो भारत का भूगोल जो है वो क्या है, एक तरह से लॉन्ग नॉन फिक्शन है क्योंकि उसमें सच्चाई है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब बात करते हैं फिक्शन के टाइप्स के बारे में। ये सब फॉर्मेट्स थे फिक्शन के, फॉर्मेट एक शॉर्ट फिक्शन, एक लॉन्ग फिक्शन, और नॉन फिक्शन के भी फॉर्मेट शॉर्ट नॉन फिक्शन और लॉन्ग नॉन फिक्शन। अब डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिक्शन की बात करते हैं। जो फिक्शन जो काल्पनिक जो स्टोरीज होती हैं, जो घटनाएं होती हैं, वो कैसी कैसी होती है? तो एक होता है रियलिस्टिक फिक्शन, हालांकि कल्पनाओं से बंधा होता है लेकिन उसमें सच्चाई भी थोड़ी बहुत झलकती है, तो उसे हम क्या कहेंगे? रियलिस्टिक फिक्शन कहेंगे। अब बात करते हैं फेबल। फेबल को हम कह सकते हैं दंत कहानी या दंत कथा या कल्पित कहानी, मतलब कल्पनाओं से घिरी हुई हो, फेरी टेल, भूतों पिशाचों की या जो बच्चों की जो कहानी होती है उसे हम फेरी टेल कहते हैं, तो वह भी फिक्शन की फिक्शन का एक टाइप है। हिस्टोरिकल फिक्शन, ऐसा फिक्शन जो कल्पनाओं से भी घिरा और इतिहास पर भी आधारित हो तो उसे हम हिस्टोरिकल फिक्शन कहेंगे। इसी तरह फैंटसी आ जाता है, टॉल टेल्स आ जाता है, लंबी कहानियाँ, मिथ,
जो झूठी कहानियाँ होती है वो आ जाते हैं, फॉक टेल आ जाते हैं। फॉक टेल का मतलब हो गया आपको लोक कथा, जो कि किसी जनजाति या जाति में छोटे छोटे गाँव में जो कहानियाँ सुनाई जाती है, तो फॉक टेल हो गया, लीजेंड हो गया। तो ये सब क्या है? फिक्शन है। अब जैसे कि नन फिक्शन की बात करते हैं, तो नन फिक्शन में क्या हो जाता है कि जैसे कि किसी का कोई ओपिनियन लेना, जैसे कि मैं अभी बातें कर रहा हूँ, तो ये नन फिक्शन हो गया। फिलोसफी, किसी कोई दर्शन चीज, दर्शन शास्त्र से वाला जो दर्शन शास्त्र से संबंधित फैक्ट है, तो वो नन फिक्शन हो गया। फैक्ट्स की बात कर लेते हैं, अगर कुछ फैक्ट्स हो, डेटा हो, तो वह अगर कुछ लिखा जाता है तो वो नन फिक्शन के अंतर्गत आएगा। इंस्ट्रक्शन मैनुअल, आप जैसे कि कोई आप लैपटॉप मोबाइल फ़ोन कुछ भी परचेज करते हो, उसके साथ आपको यूज़र मैनुअल मिलता होगा, इंस्ट्रक्शन मैनुअल, तो वो सच्ची चीज़ों पर आधारित है, तो वो क्या है? तो इंस्ट्रक्शन मैनुअल जो है नन फिक्शन है। ऑटोबायोग्राफी की बात करें या बायोग्राफी की बात करें, तो जैसे आत्मकथा, जीवनी, एसे, ये सब क्या होगा? ये सब आपको एक तरह से नन फिक्शन के अंतर्गत आएगा। आई होप अब आप लोग इसको एकदम क्लियरली समझ गए होंगे। अब इसी चीजों को आगे हम स्पेशली डील करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला है बायोग्राफी। तो ए थोरो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ पर्सनल लाइफ इज रिच पर्सन लाइफ इज रिफर्ड टू एज हिज हर बायोग्राफी। इट इज अ काइंड ऑफ प्रोज दैट इज फुल ऑफ बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द हाई एंड लोज इन अ पर्सन लाइफ, इंक्लूडिंग एनेक्डोट्स एंड मेमोर्स। ए बायोग्राफिक टेल्स द टेल ऑफ पर्सन पर्सनल एक्सपीरियंस विथ लाइफ, रिलेशनशिप, वर्क एंड ऑल थिंग्स। यू आर द मेजर लीड ऑफ योर बायोग्राफी एंड इट टेल्स योर ट्रूथ टू द वर्ल्ड। बायोग्राफी फॉल अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉन फिक्शन व्हेन रिटन इन डेप्थ, वी नो इट एज लीजेसी राइटिंग। ए बायोग्राफी कैन ऑल्सो बी पोर्ट्रेट और प्रेजेंटेड इन वेरियस फॉर्म्स ऑफ मीडिया फॉर्म्स फ्रॉम लिटरेचर टू फिल्म। एंड accredited biography can only be written with the permission, cooperation and participation of the person or the person's family or successor. It is the story of a person's life narrated and drafted by him or her, but perfected and written by another person. Biography का example है The Life of Samuel Johnson by James Boswell. यह एक perfect example है। English language का Boswell was well acquainted with Samuel Johnson and has created a masterpiece of the biography for late writer and the readers. तो ऐसा कि जो बायोग्राफी होती है दोस्तों, यह किसी भी आदमी के लाइफ से जुड़ी हुई एक स्टोरी होती है और वो सच्ची स्टोरी होती है। एक सेकंड, मैं इसको पतला करता हूँ, कलर चेंज करता हूँ। हाँ, किसी भी पर्सन के लाइफ को, अगर किसी भी आदमी के लाइफ को हम कागज कलम पर उकेर रहे हैं, कागज पर लिख रहे हैं, तो वो बायोग्राफी के अंतर्गत आएगी। बायोग्राफी को आप जीवनी भी कह सकते हैं, तो यह जीवनी के अंतर्गत आएगी। और इसमें क्या होता है कि किसी भी पर्सन के बारे में, जिस भी पर्सन के बारे में, मान लेते हैं कि कोई चीज़ें लिखी जा रही है, जिस भी पर्सन के बारे में लिखी जा रही है, तो उस पर्सन की जो फुल बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है उसको इंक्लूड किया जाता है, इंक्लूडिंग एनेक्डोट और मेमोयर्स। एनेक्डोट मतलब उपाख्यान, छोटे छोटे बातें, और मेमोयर्स संस्मरण या रेखाचित्र, तो छोटी छोटी सभी बातों को मिला करके जो तैयार किया जाता है किसी पर्सन के लाइफ पर, उसे बायोग्राफी कहा जाता है। और जो बायोग्राफी होती है, इसके अंदर पर्सन के, आदमी के पर्सनल एक्सपीरियंस को दर्शाया जाता है, और उसमें पर्सन के लाइफ को दिखाया जाता है, पर्सन के रिलेशनशिप को दिखाया जाता है, पर्सन के वर्क को दिखाया जाता है, और जो बाकी चीज़ें होती हैं उन सबको दिखाया जाता है। जैसे अगर आपके बारे में या अगर मेरे बारे में बोला जाए कि मुझे बायोग्राफी लिखनी है, तो इसमें मैं क्या करूँगा या आप क्या करेंगे? आप अपनी जो ज़िंदगी है उसको उकेर देंगे कागज़ पर। आपने क्या खाया, क्या पिया, आपका बचपन कैसे गुजरा, आपने क्या क्या चीज़ें अचीव की, आपने क्या प्राप्त किया, आप अपनी ज़िंदगी के किन कठिन दिनों से गुजरे, तो यही सब चीज़ आप उकेरेंगे ना। तो यही क्या हो गया, आप जो अपने आप को कागज पर उकेरे, तो यही बायोग्राफी का एक फॉर्मेट हो गया, हालांकि उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। और जो बायोग्राफी होती है वो नॉन फिक्शन फॉर्मेट में फॉल होती है, मतलब यह सच्ची घटनाओं पर आधारित होती है, इसीलिए हम इसे नॉन फिक्शन प्रोज के अंतर्गत रखते हैं। और जब हम इसको बहुत डीप में लिखते हैं, बहुत लंबा चौड़ा लिखते हैं, तो उसे हम लीजेसी राइटिंग कहते हैं या लीगेसी राइटिंग कहते हैं। जैसे अगर आपको महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, तो आप वो जो लिखेंगे वो एक बायोग्राफी कैटेगरी के अंतर्गत फॉल करेगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। और जो बायोग्राफी होती है, यह डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया में दिखाया जाता है, जैसे दिखाया जा सकता है, सॉरी, पहले ज़माने में पुस्तकें होती थी तो पुस्तकों में दिखाया जाता था, आजकल फिल्म आ गए हैं, तो कई सारी फिल्में जो हैं आपको महापुरुष के जीवन पर दिखाई जाती है। महात्मा गांधी के जीवन पर भी आधारित फिल्म है, वो मुझे याद नहीं आ रहा, मैंने मूवी देखी है, याद नहीं आ रहा भाई,
आप लोग YouTube पे सर्च कीजिएगा, आप लोगों को मिल जाएगा। एक बहुत अच्छी मूवी है महात्मा गांधी के जीवन पर आधारित। तो वो जो महात्मा गांधी के जीवन पर जो आधारित मूवी है वो क्या है, बायोग्राफी ही है। और आज के दौर में बायोग्राफी को डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मीडिया में के माध्यम से दिखाया जा सकता है, लिटरेचर में भी दिखाया जा सकता है, मूवी में भी दिखाया जा सकता है। और जो बायोग्राफी होती है, जो मान्यता प्राप्त बायोग्राफीज होती है, जो जीवनी होती है, उसको परमिशन से लिखा जाता है। अब जैसे महात्मा गांधी के बारे में लिखना है, तो महात्मा गांधी के बारे में लिखने से पहले हो सकता है, अभी तो महात्मा गांधी बहुत बड़े महापुरुष हो चुके हैं या महापुरुष हैं स्टार्टिंग से ही, तो उसके बारे में लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मान लेते हैं आपको नरेंद्र मोदी के बारे में लिखना, तो आप उसको बहुत लंबा चौड़ा लिखना चाहते हैं, तो मे बी आपको नरेंद्र मोदी जी से परमिशन लेना पड़ सकता है कि आप उसके बारे में लिखना चाह रहे हैं, या फिर आपको नरेंद्र मोदी के परिवार से परमिशन लेना पड़ सकता है। तो आई होप आप लोग उसको समझ गए होंगे। और जो स्टोरी होती है पर्सन की जो लिखी जाती है, वो या तो खुद कोई बंदा लिख देता है, और या नहीं तो कोई बंदा किसी दूसरे से लिखवा सकता है। जैसे मुझे महात्मा गांधी के बारे में लिखनी है, और मान लेते मैं किसी कारणवश नहीं लिख पा रहा हूँ, तो मैं आपको या किसी और को बोल करके वो चीज़ें लिखवा सकता हूँ, तो वो भी बायोग्राफी कैटेगरी के अंदर जो है वो फॉल करेंगी। अब है ऑटोबायोग्राफी। तो ऑटोबायोग्राफी जो है ना, यह भी एक तरह का प्रोज होता है, और जैसा कि ये टर्म सजेस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब है कि इट इज़ द सेल्फ रिटेन अकाउंट ऑफ वंस लाइफ। मतलब खुद के बारे में जो चीज़ें लिखी गई है उसे हम ऑटोबायोग्राफी कहेंगे। इट इज़ वेरी सिमिलर टू बायोग्राफी एक्सेप्ट इट इज़ रिटेन बाय द सेम पर्सन हुज स्टोरी इट इज़ अबाउट। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रोट द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय माई सेल्फ कम्प्लीटली, देन इट विल बी रिफर्ड टू एज एन ऑटोबायोग्राफी। द पर्सन कैन ऑल्सो सीक गाइडेंस और हेल्प फ्रॉम अनदर राइटर और हायर अ घोस्ट राइटर इफ रिक्वायर्ड। ऑटोबायोग्राफी एग्जाम्पल, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलेन कीलर। तो ऐसा है कि जो बायोग्राफी है, जो ऑटोबायोग्राफी है, वो वेरी सिमिलर टू बायोग्राफी है, बहुत सिमिलर है। लेकिन ऐसा है कि जो ऑटोबायोग्राफी है, इसमें सिर्फ और सिर्फ वही आदमी की स्टोरी होती है जिसे कि वह खुद लिखता है। जैसे कि मैं, अगर मैं अपने बारे में लिखूं, तो वह मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। जो मैं अपनी पूरी स्टोरी लिखूंगा, वही मेरी ऑटोबायोग्राफी होगी। द स्टोरी ऑफ माई लाइफ बाय हेलेन कीलर, यह एक मोस्ट फेमस ऑटोबायोग्राफी है। फॉक टेल जो होता है, यह पॉपुलर लीजेंडरी स्टोरीज होती है, और यह किसी एक डिफरेंट कल्चर को दिखाती हैं, डिफरेंट कल्चर के वैल्यूज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं और आइडियाज़ को रिफ्लेक्ट करती हैं। दे आर यूजुअली पास्ड ऑन वर्बली फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। और जो फॉकटेल होती है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ऑटोमेटिक ट्रेवल करती है। दीज स्टोरीज कैरी अ मॉरल और लेसन टू बी ऑब्जर्व बाय द ऑडियंस। फॉक टेल हैव मेनी टाइप्स लाइक फेबल्स टेल्स, टॉल टेल्स, घोस्ट स्टोरीज और रिलीजियस टेल्स। तो ऐसा कि जो फॉक टेल होते हैं, तो यह एक तरह की लीजेंडरी स्टोरीज होती है जो कि एक निश्चित कल्चर को दिखाती है। एग्जाम्पल तो नहीं है दोस्तों बताने के लिए, क्योंकि अगर मैं इतने सारी चीज़ें बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो। 20 पेज बता चुका हूं और 20 पेज और है बताने को, तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो। खैर आगे बढ़ते हैं। तो फॉक टेल में किसी कल्चर को दिखाया जाता है, किसी कल्चर की जो वैल्यूज है या फिर जो आइडियाज हैं उसको रिफ्लेक्ट किया जाता है। और ये जो फॉक टेल होते हैं, ऑटोमेटिकली ही एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक ट्रांसफर हो जाते हैं। और इन फॉक टेल्स की जो स्टोरी होती है, इसमें मॉरल वैल्यूज़ को दिखाया जाता है और कुछ अच्छे लेसन्स जो है सिखाए जाते हैं। और फॉक टेल कई तरह के हो सकते हैं, जैसे फेबल हो गया, टॉल टेल्स हो गया, घोस्ट स्टोरीज हो गया, या फिर रिलीजियस टेल्स हो गया। अब बात करते हैं नोवेल के बारे में। तो नोवेल एक लॉन्ग लिटरेरी फिक्शन वर्क होता है, यूजुअली रिटन इन द फॉर्म ऑफ प्रोज, और नॉर्मली ये 50,000 वर्ड्स से ज्यादा का होता है। मोर देन 50,000 वर्ड्स अगर कोई फिक्शन या नॉन फिक्शन हो गया, तो वो दैट विल बी कंसिडर्ड एज नोवेल। ए नोवेल इज अ बुक टेलिंग अ सिंगल टेल पेंड क्रिएटिवली विथ ह्यूमन एक्सपीरियंस एंड एक्सपोजर। द नोवेल हैज सेवरल कैरेक्टर्स, इच चैप्टर इज कनेक्टेड और लिंक्ड टू इच अदर थ्रू ए सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स एंड हैज अ स्पेसिफिक सेटिंग। तो जो नोवेल होती है, वो एक तरह की बुक होती है जो कि एक सिंगल टेल होती है, एक सिंगल कहानी होती है, और यह जो क्रिएट की जाती है वो ह्यूमन एक्सपीरियंस और एक्सपोजर से क्रिएट की जाती है। और इसके अंदर कई चैप्टर्स होते हैं, और प्रत्येक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है, कनेक्टेड होता है, और प्रत्येक चैप्टर्स में जो घटनाएं होती है एक दूसरे से कनेक्टेड होती है। जो प्रत्येक चैप्टर में जो इवेंट्स होते हैं, वो सब एक दूसरे से सीक्वेंस में कनेक्टेड होते हैं, और इसकी एक डिफरेंट और एक निश्चित सेटिंग हमें देखने को मिलती है। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। वी हैव लार्ज नंबर ऑफ जीनर्स ऑफ नोवेल अवेलेबल विच हैज़ इन कम्पास्ट वेरियस स्टाइल्स एंड टाइप्स। सम ऑफ देम आर पिकारेस्क्यू, कॉमेडी, ड्रामा, रोमांस, गोथिक, एपिस्टोलरी एंड मेनी मोर। तो ये सब जो है ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ जीनर्स हैं नॉवेल्स के, जो कि अभी देखने को मिलते हैं। जैसे द हैरी पॉटर सीरीज बाय जेके रॉलिंग, उसके बाद द अवेकनिंग, उसके बाद आप ये हो गया, फिर उसके बाद आप ऐसा मान लीजिए, आपको एक एग्जाम्पल में और दे, तो महिला आंचल, उसके बाद द पराजा, ये सब डिफरेंट डिफरेंट लिटरेरी जीनर्स हैं नोवेल्स के। तो अब आप लोग नोवेल समझ गए होंगे।
ये पिकारेस्क्यू कॉमेडी, ये सब हम लोग BEGC 133 134 में कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं। शॉर्ट स्टोरी, तो जैसा कि नेम से पता चल रहा है कि शॉर्ट स्टोरी जो होती है ना वो फिक्शनल प्रोज होती है जो कि नॉवेल से शॉर्टर होती है, नॉर्मली लेस देन 50,000 वर्ड अगर कुछ हो तो उसे हम शॉर्ट स्टोरी कहेंगे। ए शॉर्ट स्टोरी हैज ओनली वन और फ्यू इवेंट्स एंड पैसेज। एक शॉर्ट स्टोरी में या तो केवल एक इवेंट होता है या फिर एक से ज़्यादा, थोड़ी एक से ज़्यादा दो या तीन इवेंट्स होते हैं और थोड़े बहुत पैसेज होते हैं और बहुत कम ही कैरेक्टर्स होते हैं, या फिर कैरेक्टर्स होते ही नहीं है, या फिर हालांकि कैरेक्टर्स के बिना स्टोरी संभव नहीं है, मैं मिस्टेक कर गया हूँ बोलने में, तो कुछ कैरेक्टर्स होते हैं और जो चैप्टर्स होते हैं या तो एक या दो होते हैं या फिर होते ही नहीं है। द फॉर्म इनकरेज कन्वर्जेशन ऑफ सिटिंग कंसाइज नैरेटिव एंड द ओमिशन ऑफ द कॉम्प्लेक्स प्लॉट कैरेक्टर इज डिस्क्लोज्ड इन एक्शन एंड ड्रामेटिक इनकाउंटर्स बट इज सेल्डम फुल्ली डेवलप्ड। तो ऐसा है कि जो है ना ये जो शॉर्ट स्टोरी होती है इसमें क्या होता है कि आपको समय की बचत होती है और जो कम्प्लेक्स प्लॉट्स होते हैं वो नहीं बनते हैं और उसके बाद जो कैरेक्टर्स होते हैं वो तुरंत एक्शन को दिखाते हैं और तुरंत ही सब कुछ हो जाती है और जो एक तरह से फुल्ली डेवलप्ड फॉर्मेट हमें देखने को मिलता है। जैसे कि प्रोज टाइप का एग्जांपल दिया हुआ है क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकेन और द लॉटरी बाय शिर्ली जॉन जैक्सन, तो ये आप लोग देख लीजिएगा। ये जो एग्जाम्पल है मुझे भी नहीं पता क्या है क्योंकि मैंने इसको पढ़ा नहीं है, मतलब ये जो आपको क्रिसमस कैरोल बाय चार्ल्स डिकेन है और जो द लॉटरी है ये मैंने देखा नहीं है। ऐसे की बात करते हैं तो यह पीस ऑफ राइटिंग होता है लेट्स द ऑथर प्रेजेंट हिज हर आइडिया एंड फीलिंग्स और आर्गुमेंट एंड ऐसे डजेंट नेसेसरली हैव टू बी फॉर्मल और हैव ए सिस्टम टू फॉलो, इट यूजुअली डील्स विद इट्स टॉपिक इन अ मोर पर्सनल मैटर पुटिंग आउट इट्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो जो ऐसे होता है दोस्तों यह एक तरह का राइटिंग होता है, यह एक तरह का प्रोज फॉर्मेट है और इसमें जो है ना ऑथर अपने आइडियाज और फीलिंग्स को भी व्यक्त करता है और आर्गुमेंट बहस भी करता है और ऐसे का एक निश्चित मैनर जो डिफरेंट एक डिफिनिट मैनर है वो होना जरूरी नहीं है, या एक्चुअली पर्सनल मैनर को मैनर से डील करता है या फिर किसी चीज पर अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखने की बात भी करता है। और ये जो ऐसे है यह लिटरेचर में ऐसे की बात की जा रही है जैसे कि लाफ, डेविड सेल्डिस, कोकाबूरा, ये सब ऐसे के एग्जांपल्स हैं। ऐसे जैसे द एलिफेंट पर भी ऐसे लिखने को आ सकता है, तो ये सब क्या है, हालांकि ये जो द एलिफेंट पर ऐसे है इसे हम लिटरेचर के अंदर ऐसे के साथ नहीं ऐड कर सकते हैं, लेकिन ऐसे में क्या होता है कि एक निश्चित चीज़ें फैक्ट्स डेटाज दिए होते हैं। आगे ऐसे का एक एग्जाम्पल है दोस्तों और वो है शायद ऑन सीइंग इंग्लैंड, ये सेकंड ब्लॉक में है, वो मैं भी आपको लोगों को आगे बताऊंगा, तो जब आप लोग वो देखेंगे तो आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 4 आ चुका है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 है कि राइट अ शॉर्ट समरी ऑफ माइजरी, यहाँ पर रिटेन होना चाहिए था, वो मैंने गलत कर दिया है, सॉरी, यहाँ रिटेन होगा, रिटन बाय एंटोन चेकोव, कमेंट ऑन द ट्रेजेडी एंड पेथोज इन द शॉर्ट स्टोरी ऑफ मिजरी माइजरी बाय एंटोन चेकोव। माइजरी कैप्चर्स द एगोनी ऑफ एन ओल्ड मैन फॉर हुम नो वन हैज टाइम, डिस्कस आयोनाज प्लाइट इन द लाइट ऑफ इट्स ऑफ दिस स्टेटमेंट इज द टाइटल माइजरी इन अकॉर्डेंस विथ द सब टाइटल टू होम सेल वाट आई टेल माई ग्रीफ द स्टोरी माइजरी डील्स विथ ह्यूमन इनसेंसिटिविटी टू द अदर पीपुल ग्रीफ डिस्कस। तो ये जो क्वेश्चन आप लोग ऊपर में देख रहे हैं अगर इसमें से कुछ भी आ जाए तो आप लोगों को आंसर वही करना है जो कि अभी मैं नीचे बताऊंगा। आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब मैं थोड़ी सी आप लोगों को बताना चाहूँगा कि ये जो माइजरी वाली स्टोरी है ये थोड़ी सी, मतलब आप ऐसा समझ लीजिए कि दिल को झकझोरने वाली स्टोरी है। अभी मैं स्टोरी बताऊँगा, ये एक शॉर्ट स्टोरी है, लेकिन पहले मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर मैं स्टोरी आप लोगों को बताऊँगा। तो पानी अब मैंने पी लिया है दोस्तों, अब सीधे चलते हैं टॉपिक पर। तो ये सबसे पहले हम लोग माइजरी की बात करते हैं, तो माइजरी का मतलब होता है दुख, क्या होता है। तो ये जो स्टोरी है, जो शॉर्ट स्टोरी है या माइजरी जो है, या एंटोन चेकोव द्वारा लिखी गई है और यह एक तरह से दुख भरी स्टोरी है, और क्या स्टोरी है वो अभी मैं आप लोगों को बताऊँगा। तो सबसे पहले थोड़ी बहुत डिटेल्स और फैक्ट्स हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो आपको क्या कहते हैं आपको माइजरी है, यह एंटोन चेकोव द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? एंटोन चेकोव द्वारा इस माइजरी को लिखा गया है। और ये जो एंटोन चेकोव थे यह एक रशियन प्लेराइट थे, मतलब
रशियन ड्रामाटिस्ट थे, ये अक्सर ड्रामाज लिखा करते थे, लेकिन थोड़े बहुत शॉर्ट स्टोरीज भी इन्होंने लिखे हैं। और ये जो माइजरी है ये 26 अप्रैल 1886 को पब्लिश किया गया था, और ये किया गया था आपको पीटर बर्ग्स काया गजेटा में। किसमें? पीटर बर्ग्स काया गजेटा। और यह एक रशियन पेपर था। क्या था? आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और ये जो माइजरी है, इस माइजरी का ओरिजिनल टाइटल जो कि उस पेपर में पब्लिश हुआ था उसका नाम था टोस्का। टोस्का क्या था? टोस्का, या आप जिसको टोका कहें ये आपकी मर्जी, या टोचका कहें, हालांकि टोस्का ही परफेक्ट मीनिंग है। तो इतनी बात समझ गए आप। अब सीधे चलते हैं स्टोरी पर। इसको मैं थोड़ा इरेज करता हूँ। और एक सेकंड, स्टोरी पर जाने से पहले मैं सबसे पहले सेटिंग बता देता हूँ कि इसकी सेटिंग कहाँ हुई है। तो यह जो स्टोरी है दोस्तों, रशिया में सेट की गई है, पिट्सबर्ग में। कहाँ पर? पिट्सबर्ग या पीटरबर्ग, पीटरबर्ग है शायद, या हाँ पिट्सबर्ग या पीटरबर्ग, जो भी हो आप लोग देख लीजिएगा, मेरे दिमाग से उतर गया। खैर, तो ये समझ में आ गई। और ये जो टाइमिंग है ये है विंटर सीजन की टाइमिंग है, की टाइमिंग है। और विंटर सीजन की टाइमिंग है इसका मतलब यहाँ पर स्नोफॉल हो रहा है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता यूँ है कि इसमें एक ओल्ड मैन है जिसका नाम है आपको, एक सेकेंड, आयोना पोटापोव। क्या नाम है? आयोना पोटापोव। इसका एक बेटा है कुजमा आयोनिच। इसकी मृत्यु हो गई है। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। तो होता यूं है दोस्तों कि इस स्टोरी की स्टार्टिंग होती है, टू होम सेल आई टेल माई ग्रिफ, मतलब कि मैं किससे अपना दुख कहूं। तो अब ये क्या बात हुई भला, मैं किससे अपना दुख कहूं? तो इस स्टोरी की स्टार्टिंग कुछ इस तरह से है कि जो आयोना पोटापोव है, यह एक बूढ़ा व्यक्ति है, इसकी जो इसका जो बेटा है कुजमा आयोनिच, ये मर चुका है बुखार की वजह से। बेचारा दुख में है, काफ़ी दुख में है, और इसको समझ में नहीं आ रहा है कि यह जो है ना अपने दुख को किससे शेयर करे। काफ़ी दुख में है ये। अब क्या होता है कि जब ये अकेले रहता है तो ये और भी ज़्यादा दुख में हो जाता है अपने इस चिंता को सोच सोच करके। तो ऐसा है कि इस बेचारे का जो बेटा है वो तो मर चुका है, कमाने के लिए कुछ तो साधन चाहिए। तो यह एक कैब ड्राइवर के तौर पर काम करता है वहाँ। किसके तौर पर? कैब ड्राइवर के तौर पर। इसके पास एक घोड़ी है या घोड़ा है, जो आप कह लें आप। तो इस घोड़ी या घोड़ा को ये ले जाता है, इस घोड़ी या घोड़ा को एक गाड़ी से बांधता है जिसे स्लेज कहते हैं। क्या कहते हैं? स्लेज कहते हैं। स्लेज क्या होती है? तो बर्फ पर चलने वाली गाड़ी होती है जिसको कि घोड़ा खींचता है। तो आयोना पोटापोव क्या करता है कि यह कैब ड्राइवर है और अपने जीवन यापन के लिए यह स्लेज गाड़ी को चलाता है। और यह क्या होता है कि अपने बेटे की मौत के बाद, एक सप्ताह के आसपास भी नहीं बीता है, तो वह चला जाता है अपने पैसेंजर्स को खोजने के लिए कि आज ठंडी का दिन है, ज़्यादा से ज़्यादा पैसेंजर मिलेगा और वो अपने पैसेंजर्स को अपने गंतव्य तक पहुंचा के ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाएगा, और हो सके तो अपने दुख को अपने पैसेंजर से शेयर करेगा। बेचारा जाता है बर्फ़ के एकदम सिल्ली के समय में, बर्फ की सिल्ली गिर रही है, बर्फ के लिए या फिर स्नोफॉल हो रहा है, तो स्नोफॉल एकदम लगातार हुए जा रहा है। बेचारा जाता है उस स्नोफॉल में, बहुत देर तक इंतज़ार करता है लेकिन उसको कहीं कुछ नहीं मिलता, मतलब कोई भी पैसेंजर नहीं मिलता है, पैसेंजर नहीं मिलता है। बेचारा उदास बैठा रहता है और इतना स्नोफॉल हो रहा होता है कि पूरे स्नोफॉल से पूरे आयोना पोटापोव का आँख वाँख चेहरा वहरा, या फिर आयोना पोटापोव का जो स्लेज है वो सब ऑलमोस्ट ढक जाता है। तभी अचानक से एक बगल से आवाज़ आती है एक ऑफिसर की, जो कि एक आर्मी ऑफिसर रहता है। वो बोलता है कि ओ कैब ड्राइवर चलोगे तुम मुझे वाइबोर ले चलोगे। तो वो आयोना पोटापोव को विश्वास नहीं होता, वो बोलता है हाँ सच में? तो वो जो ऑफिसर होता है वो थोड़ा भद्दे तरीके से बोलता है हाँ गधे चल चल, तुमको जाना है अभी वाइबर, तुमको
वाइवर जाना है, मुझे छोड़ना है। तो वो जो आयना पोटापोव होता है वो खुशी खुशी उस ऑफिसर को बैठा लेता है। अब जो आयना पोटापोव होता है चूंकि वो दुख में होता है तो वो गाड़ी स्लो चला रहा होता है। अब चूंकि वो गाड़ी स्लो चला रहा होता है तो ये जो ऑफिसर होता है आर्मी ऑफिसर, इसको ऑफिस पहुंचने में देरी हो रही होती है। तो ये बोलता है, अबे गधे, अबे उल्लू के पट्टे, ऐसे चलाते हो गाड़ी क्या? अगर ऐसे चलाओगे गाड़ी तो साल भर में भी नहीं पहुंचेंगे, मैं तो कल भी नहीं पहुंच पाऊंगा अपने गंतव्य तक, अपने स्थान तक, अपने ऑफिस तक, जल्दी करो। और ये देखते हो आगे में अंधे बहरे कहाँ कहाँ से आ जाते हैं रास्ते में, ये सब मुझे डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं, जल्दी से ये लोग हटेंगे तभी तो तुम चलोगे। तो ये सारी बातें होती है। फिर थोड़ी देर के बाद ये जो ऑफिसर है थोड़ा बहुत शांत हो जाता है। तो कैब ड्राइवर सोचता है, या फिर ये आयना पोटापोव सोचता है कि क्यों ना अपनी जो दुख या जो अपनी व्यथा है इसको शेयर किया जाए। किससे? तो इस ऑफिसर से। तो ऑफिसर को वो बोलता है कि देखिए ना साहब, मेरा बेटा मर गया है पिछले हफ्ते। तो जो ऑफिसर होता है वो भी थोड़ा सा सीरियस होकर बोलता है, हाँ कैसे मर गया तुम्हारा बेटा? तो बोलता है कि सर साहब देखिए ना, डॉक्टर लोग बता रहे थे कि बुखार है, तुरंत ठीक हो जाएगा, 3 दिन तक अस्पताल में पड़ा रहा, बुखार से ठीक नहीं हुआ और मर गया। तो इतना सब सुनने के बाद ऑफिसर कहता है, खैर कोई बात नहीं है, ये तो सच्चाई है, होना ही है। फिर उसके बाद वो ऑफिसर अब जो है आंखें फेर लेता है, और फिर आयना पोटापोव जो है ना वो चलाने लगता है, मतलब वो अपना जो स्लेज है वो चला रहा होता है, और बीच बीच में वो थोड़ी थोड़ी आंखें घूर करके वो उस ऑफिसर को देखता है। तो ऑफिसर उसको कहता, अबे अंधे या अबे गधे, सीधे देख कर गाड़ी चला, किसी को ठोक दोगे। और उसके बाद तब आयना पोटापोव को लग जाता है कि अब ये जो ऑफिसर है ये अब कुछ भी सुनने की स्थिति में नहीं है। तब फिर उसके बाद ये जो आयना पोटापोव है ये इस ऑफिसर को बाइबर तक छोड़ देता है। उसके बाद वो वापस रिटर्न आने लगता है। थोड़ी दूर जाने के बाद वो एक शराब खाने के पास खड़ा रहता है। काफ़ी समय तक खड़ा रहने के बाद 3 शराबी उसको वहाँ पर दिखते हैं, जो कि घर जाने की ओर बात करते हैं। उसके बाद और ये जो है, जैसे ही ये 3 शराबी इस कैब ड्राइवर या आयना के पास आते हैं तो वो तीनों कहते हैं कि तुम मुझे यहाँ उलिस बीच ले चलोगे, तो उसके लिए मैं तुम्हें 20 डॉलर्स दूंगा, रशियन डॉलर्स की बात यहाँ की जाती है। तो ये कैब ड्राइवर सोचता है, हालांकि ये 20 जो रशियन रुपीज जो दिया जाता है ये वर्थ नहीं रहता है, मतलब उतनी दूर जाने के लिए 20 रुपये कम थे, लेकिन फिर भी आयना पोटापोव कुछ भी नहीं सोचता है और वो उन तीनों को बैठा लेता है। तीनों को जो बैठा लेता है, दो दो लंबे होते हैं, एक नाटा होता है, तीनों इतने शराब में मदमस्त रहते हैं कि ये जो है आयना को ही गाली देते हैं, अबे कुत्ते कमीने, इतने स्लो में चलाओगे तो हम कैसे पहुँच पाएंगे, इतने स्लो में तो हम पीटर्सबर्ग से बाहर भी नहीं जा पाएंगे, तुम कैसे हमें अपने मंजिल तक ले चलोगे। फिर गाली गलौज होता रहता है। तो फिर उसके बाद आयना पोटापोव कहता है कि देखिए आप लोग मजाक किए हैं। फिर आयना पोटापोव थोड़ी दूर चलने के बाद ये सोचता है कि क्यों ना अपने दुख को इन तीनों से शेयर किया जाए। तो तीनों जो है इनके दुख को सुनने के लिए आगे तो आते हैं, लेकिन कुछ ज़्यादा अट्रैक्शन दिखाते नहीं हैं। तीनों मतलब अपने अपने धुन में व्यस्त रहते हैं, सभी गाली गलौज कर रहे होते हैं, आयना पोटापोव को भी गाली दी जाती है, तो आयना पोटापोव सुनते हैं, कुछ कहते नहीं है। तो आयना पोटापोव आगे क्या होता है कि आयना जो है वो थोड़े समय के बाद उन तीनों शराबियों में एक नाटा शराबी जो होता है उसको अपनी स्टोरी बताने की कोशिश करता है। तो आयना जो छोटे कद का शराबी होता है वो थोड़ा समझदार लगता है। तो आयना पोटापोव सोचता है कि भैया इसको कुछ बताएंगे तो ये समझेगा, लेकिन वो सुनता तो है, जो छोटा वाला जो होता है छोटा शराबी वो सुनता तो है, लेकिन वो भी कहता है कि भैया मरना तो सबको है, हम भी मरेंगे, बात खत्म। इतने में अब आयना पोटापोव समझ जाता है कि यह जो है यह भी मेरी बात नहीं सुनेगा। तब उसके बाद ये आयना जो है इन तीनों को अपने गंतव्य तक पहुंचा देता है। अब वहां से जब वो रिटर्न आने लगता है तो आपको ऑलमोस्ट ऐसा मान लीजिए कि 1.5 घंटे चलने के बाद वो एक जगह पहुंचता है। और जब वो वहां पहुंच जाता है तब उसके बाद होता क्या है कि आपको एक कुली उसको मिलता है। और कुली जब उसको मिलता है तो कुली उसको कहता, वो सोचता है कि क्यों ना इस कुली से अपने मन की व्यथा सुनाई जाए, क्यों ना इस कुली से हम अपने जो ग्रीफ हैं वो सुनाएं। लेकिन कुली भी उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता है। कुली भी कहता है मरना तो सबको है, आज ना कल, बात खत्म। कुली भी इतना बोल के निकल लेता है।
अब बेचारा फिर ट्रेवल करता है ये आयोना, कुछ दूर जाता है और एक बहुत ही मलिन बस्ती के पास पहुंचता है, बहुत ही गंदे जगह के पास पहुंचता है। वहां पर अपने गाड़ी को लगाता है, अपने स्लेज को लगाता है, और ये जो बस्ती होती है यह एक तरह से स्लेजों की बस्ती ही होती है, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ स्लेज सॉरी स्लेज कहते हैं, कैब ड्राइवर की बस्ती होती है। तो ये जो बस्ती है कैब ड्राइवर की बस्ती है, मतलब यहाँ पर सिर्फ सब और सब कैब ड्राइवर है और ये बहुत गंदी बस्ती है। तो आयना प्रतापोव वहाँ पहुँचता है, तो उसके बाद थोड़े समय बिताने के बाद एक कैबमैन मतलब इसका एक सहयोगी वो बोलता है कि पानी पियोगे, तो आयना कहता है कि अभी कोई कहने की बात है, बहुत प्यास लगी है, पिलाओ। फिर रात हो गया होता है। अब ये इतनी सारी घटनाओं जो इतनी सारी घटनाओं का अगर हम देखें तो सारी घटनाओं के घटित होते होते रात हो जाती है। तो रात में अब बेचारा बेचारे के पास खाने के लिए कुछ होता नहीं है, सब कुछ सब सो जाता है। बेचारे को अचानक याद आता है कि जो उसका घोड़ा जो है उसको उसने देखा नहीं है बहुत देर से, क्योंकि वो घोड़ा वोड़ा रख के तो चला जाता है। और उसके बाद अचानक से वो रात को कोट पहनता और चले जाता है अपने घोड़े वाले अस्तबल में। और जब घोड़े के पास जाता है तो घोड़े से कहता है कि देखो भाई, हमारे पास ज़्यादा भोजन नहीं है, मैं तुम्हारे लिए अच्छे क्वालिटी के ओट्स नहीं ला पाया हूँ, कोई बात नहीं, फिर भी जो भी चीज़ें हैं, जो भी घास है, जो भी चारा है, वो तुम अच्छे से खाओ, जोरदार खाओ, और हो सके तो मैं भी इसको खाने की कोशिश करूँगा। और इसके साथ ही मतलब कि वो घोड़े से बात करने लगता है, घोड़े को ही अपनी स्टोरी सुनाता है, रिफ्लेक्ट टू हिमसेल्फ, वो अपने से ही बात करने लगता है कि देखो ना, मेरा बेटा मर गया है, मैं बहुत दुख में हूँ, और तुमको आज मेरे जैसे बूढ़े को ढोना पड़ रहा है। वो घोड़े को कहता है कि मेरा बेटा होता तो कितना अच्छा होता, तुम मेरे बेटे के साथ जाते, मेरा बेटा ड्राइवर होता, काफ़ी अच्छा ड्राइवर था वो, लेकिन आज वो चल बसा। तो वो फिर घोड़े से वो बात करता करता इस तरह से स्टोरी को समाप्त कर देता है। तो यही एक तरह की एक शॉर्ट स्टोरी है जो कि एंटोन चेकॉव द्वारा लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि कैसे समाज इतना व्यस्त हो जाता है कि वो किसी के सुख दुख को भी नहीं देखता है, और कैसे समाज जो है ना लोगों की इज्जत नहीं करता है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। इसमें और कुछ है बताने लायक? आई होप इसमें और कुछ ना हो बताने लायक। चलिए, तो ये तो बता चुका हूँ मैं, सब कुछ मैं बता चुका हूँ। और कुछ भी है क्या? तो ये वाली स्टोरी जो है, ये या जो ये ऊपर में जो मैंने अभी समरी बताई, ये खत्म हुई। समरी को अभी लाइन बाय लाइन बताना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने मोटी मोटी समरी बता दी। अब अगला क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द स्टोरी स्टाइल ऑफ द स्टोरी माइजरी बाय एंटोन चेकॉव। द स्टोरी माइजरी डील्स विद ह्यूमन इनसेंसिटिविटी टू अदर पीपुल्स ग्रीफ। डिस्कस, उसके बाद कमेंट ऑन द प्रोज स्टाइल ऑफ एंटोन चेकॉव विद स्पेशल रेफरेंस टू हिज स्टोरी माइजरी। डिस्कस द टाइटल ऑफ द स्टोरी माइजरी बाय एंटोन चेकॉव। तो ये बताने की बात जो है यहाँ पर कही गई है, तो यहाँ पर अब हम डिस्कस करते हैं। तो जो स्टोरी है यह स्ट्रेट फॉरवर्ड नैरेटिव स्टाइल में लिखी गई है। व्हाट स्ट्राइक्स द रीडर इज इट्स क्वालिटी और ऑफ सिंप्लिसिटी। जो कि दिल को छुए, रीडर्स के दिल को छुए, वही इसकी क्वालिटी है और यही इसकी सिंप्लिसिटी है। चेकॉव हैज एन आई फॉर डिटेल एंड ही इज अ फोटोग्राफिक एंड सिनेमेटिक रियलिस्ट। इट इज एज टफ ही हैज अ कैमरा दैट एक्यूरेटली पोर्ट्रेज अ पीस ऑफ लाइफ। चेकॉव वंस सेड दैट आर्ट टेल्स द ट्रूथ एंड टॉलस्टॉय सेड आर्ट टेल्स द ट्रूथ बिकॉज इट एक्सप्रेस द हाइएस्ट फीलिंग्स ऑफ मैन। चेकॉव्स सीमिंगली सिंपल स्टोरी अफर्म द ट्रूथ अबाउट द ह्यूमन बिहेवियर। तो ऐसा है कि जो चेकॉव है ना, उसको एक विशेष प्रकार की आई है जो कि काफ़ी डिटेल्स को पकड़ लेते हैं, और जो उनकी आंखें हैं वो फोटोग्राफिक हैं और सिनेमेटोग्राफिक रियलिस्ट वाली आंखें हैं, या फिर चेकॉव खुद एक फोटोग्राफिक और सिनेमेटोग्राफिक रियलिस्ट हैं, और इनकी जो आंखें हैं या इनके जो सोच हैं वो जस्ट लाइक एक कैमरा है जो कि एक तरह से जीवन की सच्चाई को दिखाते हैं। चेकॉव ने एक समय कहा था, एक बार कहा था कि जो आर्ट है, जो कला है, वो सच्चाई बताने का काम करती है। और टॉलस्टॉय ने भी कहा था कि आर्ट या जो कला है वो सच्चाई बताने का काम करती है, क्योंकि यह जो है मनुष्य के हाईएस्ट फीलिंग को दर्शाती है।
आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे। अब माइजरी की बात करें तो माइजरी इज अ गुड एग्जांपल ऑफ चेकॉव्स टिपिकल थीम एंड नैरेटिव स्ट्रक्चर। इट डज नॉट फोकस ऑन एवरीडे रियलिटी बट सेंटर्स ऑन द साइकोलॉजिकल मैथ आफ्टर मैथ ऑफ एन इवेंट दैट ब्रेक्स अप एवरीडे रूटीन एंड लीव्स द सेंट्रल कैरेक्टर हेल्पलेस। द रिदम ऑफ द स्लेज ड्राइवर आयोनाज लाइफ इज ब्रोकन बाय द न्यूज ऑफ हिज सन्स डेथ। ही फील्स द नीड टू कम्युनिकेट हिज फीलिंग ऑफ लॉस टू हिज फेयर्स। तो ऐसा है कि माइजरी एक अच्छा एग्जाम्पल है जो कि चेकॉव्स के द्वारा लिखा गया है और इसकी जो टिपिकल थीम और जो नैरेटिव स्ट्रक्चर है यही इसको यूनिक बनाती है। और यह जो स्टोरी है शॉर्ट स्टोरी यह किसी दैनिक रियलिटी को नहीं दिखाती है बल्कि यह वह दिखाती है कि कैसे कोई एक घटना कैसे कोई एक दुर्घटना का जो परिणाम है किसी व्यक्ति के चरित्र को या किसी व्यक्ति के जीवन को झकझोर करके रख देता है और कैसे कोई व्यक्ति जो है हेल्पलेस हो जाता है। मतलब एक तरह से आप ये मान लीजिए कि महत्वहीन हो जाता है या अपने आप में इतना मतलब कुंठित हो जाता है कि वह किसी से मदद नहीं मांग सकता है, वह मददहीन हो जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है कि कैसे एक स्लेज ड्राइवर कैसे एक घोड़े गाड़ी का ड्राइवर या बर्फ वाले घोड़े गाड़ी का ड्राइवर जो आयोना है उसकी लाइफ कैसे टूट जाती है बस एक न्यूज को सुन के कि उसका बेटा मर गया और वो अपना जो ये दुख है वो दूसरों से कम्युनिकेट करना चाहता है, दूसरों को बताना चाहता है लेकिन वो ऐसा कर नहीं पा रहा। द स्टोरी इज नॉट अबाउट एन इवेंट, इट इज रेदर अबाउट द लैक ऑफ वन। इट इज ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ ग्रीफ एंड इट्स इनकम्युनिकेबल नेचर थ्रू द प्रेजेंटेशन ऑफ डिलीवरेट डिटेल्स। चेकॉव्स प्रोज इज लूसिड विद सिंपल वोक्यूबुलरी। ही यूज मेटाफोरिकल लैंग्वेज टू रिक्रिएट द सीन। कंसिडर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्लेज ड्राइवर ऑल वाइट लाइक अ घोस्ट। दिस सिंपल इज एप्ट फॉर द स्नो। इट ऑल्सो इंडिकेट्स द लिस्टलेसनेस ऑफ आयोना ओवर पावर्ड बाई ग्रीफ। तो ऐसा है कि जो स्टोरी है इसमें सिर्फ एक इवेंट नहीं है बल्कि किसी की कमी को दर्शाया गया और किसी की कमी कैसे एक दुख पैदा करता है, कैसे एक समस्या पैदा करता है या किसी की कमी कैसे दुख का कारण बनता है वो यहाँ पर दिखाया गया और कैसे दुख जो है एक तरह से इनकम्युनिकेबल नेचर को दिखाता है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। जो चेकॉव का जो प्रोज है, चेकॉव की जो ये स्टोरी है वह ल्यूसिड है, स्पष्ट है और विथ अ सिंपल वोकेबुलरी, जिसमें सिंपल वोकेबुलरी का यूज़ किया गया है और इसमें मुहावरे का यूज़ किया गया है। जैसे कि एग्जांपल यहाँ दिया गया है स्लेज ड्राइवर के लिए कि ऑल वाइट लाइक अ घोस्ट, सब कुछ उजला हो चुका है जैसे भूत की तरह। और यही दिखा रहा है कि यह जो लाइन लिखी गई है यह दिखा रहा है कि कैसे लिस्टलेसनेस है आयोना, मतलब कैसे आयोना हेल्पलेस है, मतलब किसी से मदद भी नहीं ले सकता और कितना असावधान है कि उसके माथे पर उसके पूरे के पूरे शरीर पर क्या पड़ गया है, तो स्नो पड़ गया लेकिन उसको पता ही नहीं है। रीडिंग हिज स्टोरी इन प्रोज इज लाइक रीडिंग एज अ पोएम एज द स्टाइल इज कंप्रेस्ड इमेजिनेटिव एंड ऑलमोस्ट लिरिकल डिस्प्लेइंग स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड फीलिंग्स। तो एंटोन चेकॉव की जो स्टोरी है अगर उसको हम पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि हम जैसे कोई पोएम को पढ़ रहे हैं क्योंकि जो स्टोरी की जो स्टाइल है वो कंप्रेस्ड है, इमेजिनेटिव है और ऑलमोस्ट लिरिकल है और यह जो है स्ट्रॉन्ग इमोशन को डिस्प्ले करता और एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स को डिस्प्ले करता है। और एक रशियन क्रिटिक थे, एक रशियन आलोचक थे एंड्रे वोजनेस्की। राइटिंग अबाउट चेकॉव, वो चेकॉव के बारे में लिखते हुए कहते हैं कि दैट ही इज अ मास्टर ऑफ अंडरस्टेटमेंट ऑफ कॉन्सील्ड मीनिंग ऑफ ट्विलाइट सीन्स एंड ऑफ प्रोज एज कंप्रेस्ड एज पोएट्री। तो वो कहते हैं कि वो जो है ना जो चेकॉव्स थे वो मास्टर्स थे किसके, तो अंडरस्टेटमेंट ऑफ कॉन्सील्ड मीनिंग, गुप्त बातों को उकेरने के मास्टर्स थे और वो स्टोरी के अंदर गुप्त बातों को दिखाते थे और दोनों ही फॉर्मेट में, प्रोज और पोएट्री, हर एक फॉर्मेट में। अब अगला क्वेश्चन है कि राइट अ समरी ऑफ द मदर बाय जुडा वटन, गिव अ क्रिटिकल अप्राइजल ऑफ द स्टोरी मदर बाय जुडा वटन। वाट डज द कमेंट, बी स्ट्रॉन्ग बिफोर पीपुल, ओनली वीप बिफोर गॉड फ्रॉम द शॉर्ट स्टोरी मदर सॉ अबाउट द मदर्स कैरेक्टर। तो अगर इन तीनों क्वेश्चंस को आपसे पूछा जाए एग्जाम में तो आप आंसर सेम लिखेंगे। तो ये जो जुडा वटन की स्टोरी है यह एक रशियन जेविस फैमिली की स्टोरी है और इसमें जो है ना ल्यूसिडिटी, स्पष्टता है, डेप्थ ऑफ फीलिंग्स है, काफ़ी फीलिंग्स से भरी हुई है स्टोरी और फाइन सेंस ऑफ कॉमेडी है और थोड़ी बहुत कॉमेडी भी है। तो इसकी जो समरी है वो अभी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ
तो ये जो आपको एक सेकंड में इसको इरेज कर देता हूँ, ये जो मदर है ना, जो कि जुड़ा वटन के द्वारा लिखी गई है, इसमें आपको एक ऑर्फेन गर्ल की स्टोरी है, अनाथ लड़की की स्टोरी है, और इस अनाथ लड़की को मदर से डिनोट किया गया है, ठीक है। और इस अनाथ लड़की की स्टोरी को कौन सुना रहा है, तो एक बच्चा सुना रहा है या फिर उसका बेटा सुना रहा है, सन मतलब एक बच्चा अपनी माँ के बारे में कह रहा है। और ये जो जुड़ा वटन की जो ये स्टोरी है, ऑलमोस्ट जुड़ा वटन की अपनी स्टोरी है, जुड़ा वटन की अपनी माँ की स्टोरी है। मतलब जुड़ा वटन ने जो ये स्टोरी यहाँ लिखी है ना, ये ऑलमोस्ट एकदम सेम है उसके अपने माँ के स्टोरी से। मतलब उसकी माँ ने जो जुड़ा वटन की जो माँ ने जो कष्ट सहे थे, उसी कष्ट को इस जुड़ा वटन ने एज अ मदर कह करके यहाँ पर एक्सप्रेस किया है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है, कैसी कैसी बातें यहाँ लिखी गई है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। हाँ चला गया भाई, हाँ आ गया। तो देखिए स्टोरी कुछ इस तरह से है कि जो ये मदर है, यह पहले कहाँ रहती थी, तो यह पहले रसिया में रहती थी जब नाजीज का शासन रसिया में था। लेकिन जब नाजीज का शासन था तो नाजीज बहुत क्रूर थे, और ये जो जुड़ा वटन की जो माँ थी या फिर ये जो मदर है स्टोरी के अंदर, यह जेविस फैमिली से आती थी। और ऐसा माना जाता था या रसियन ये मानते थे कि ये जो जेविस है ये रसियन नहीं है, इसलिए इनको भगा दिया जाए यहाँ से। अब समस्या ये थी कि रसियन इसको भगाना तो चाह रहे थे, लेकिन ये बॉर्डर पार करके भी कहीं नहीं जा पा रहे थे, तो ये दिक्कत थी। लेकिन फिर भी किसी तरह से ये मदर जो है वहाँ से निकल करके ऑस्ट्रेलिया में शिफ्ट हो जाती हैं। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। अब मैं इसको इरेज करता हूँ, अब आगे बताता हूँ आगे क्या होता है। मेनी ऑफ द जीवेस इमिग्रेंट इन ऑस्ट्रेलिया एंड अफ्रीका लेफ्ट देयर होम्स इन यूरोप बिकॉज ऑफ परसेक्यूशन बाय द नाजीज। द सिचुएशन इन वाटन्स शॉर्ट स्टोरी इज डिफरेंट। दे हैव माइग्रेटेड इन सर्च ऑफ बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज लाइक द वास्ट नंबर ऑफ इमिग्रेंट्स फ्रॉम इंडिया एंड द थर्ड वर्ल्ड इन द सेकेंड हाफ ऑफ द 20th। ऑफकोर्स एंटी सेमिटिज्म ऑल्सो प्ले अ रोल इन पैथेटिक कंडीशन ऑफ द मदर इन हर चाइल्डहुड ड्यूरिंग दोज अर्ली डेज। मदर रेयरली लुक्ड आउट इन टू द स्ट्रीट फॉर सिंस द ग्रेट प्रोग्राम्स फ्यू चिल्ड्रन वेयर ओवर टू सीन अब्रॉड फ्रॉम द आयरन ग्रिल ऑफ द बेसमेंट सी सोज द सोल्स ऑफ द शूज ऑफ द पैसेंजर एंड नोट वेरी मच मोर सी हैड नेवर सीन अ ट्रू और अ फ्लावर और अ बर्ड। तो ऐसा है कि बहुत सारे जो माइग्रेंट्स हैं, जो जेविस माइग्रेंट्स थे, वो ऑस्ट्रेलिया अमेरिका चले गए थे रसिया को छोड़ करके। उसी तरह ये मदर भी रसिया को छोड़ करके ऑस्ट्रेलिया आ गई थी। और वो क्यों आई थी, तो बेटर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के लिए, मतलब बेहतर आर्थिक तौर पर मौका मिले उसके लिए, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा धन कमा सके उसके लिए। अब ये जो माता होती है, ये माता एक तरह से पति से शादी करती हैं, और इसका पति जो है भविष्य के बारे में नहीं सोचता है, और इसका पति एक तरह से काफ़ी कूल माइंडेड होता है, ये भविष्य के बारे में नहीं सोचता। लेकिन ये जो माता होती है, ये अपने बच्चे के बारे में सोचती है, और ये सोचती है कि जो कष्ट मैंने झेले हैं वो मेरे बच्चे ना झेले। आई होप आप लोग इसको समझ रहे होंगे। और इसी वजह से ये जो माँ है, ये अपने बच्चे के लिए काफ़ी फिक्रमंद रहती है कि मेरे बच्चे जो है लिटरेचर और म्यूजिक से काफ़ी जुड़े रहे, काफ़ी मिले हुए रहे, और इन्हें कोई दिक्कत ना हो। जो समस्या उस मदर ने झेली है, वो उसके बच्चे को नहीं झेलना पड़े। तो ये बात समझ में आ गई। अब आगे मैं बताता हूँ कि बचपन में ये जो माँ है किस कष्ट को झेल चुकी हैं। तो एक्चुअली ये जो माँ थी, एक्चुअली बचपन में इसके जो माता पिता थे वो मर गए थे। इसकी जो इस मदर की जो माता पिता थी, वो बचपन में ही मर गई थी। अब मरने से क्या हुआ कि ये एक तरह से, क्योंकि यह एक लड़की थी तो इसके साथ बुरा व्यवहार होता था रसिया में। आज भी हमारे भारत में एक लड़की के साथ बुरा व्यवहार होता है, और इस लड़की को एक तरह से ग्रिल के अंदर, बेसमेंट के अंदर कैद करके रखा जाता था इस माँ को। और इस माँ ने मतलब इस तरह की गुलामी देखी थी कि इस स्टोरी में एक सेंटेंस का यूज़ किया गया, 12 month केज। इसकी माँ ने इस तरह की गुलामी देखी थी कि 12 महीने को क्या कहा गया, तो 12 महीने का पिंजड़ा कहा गया, 12 महीने का कैद कहा गया। तो इसकी माँ जो है ना,
एक तरह से बेसमेंट में कैद रहती थी, और इसने केवल और केवल लोगों के शूज देखे थे, जूते देखे थे। वो जो जूते भी उसने देखे थे तो वो कब देखे थे, जब वो ग्रिल के पास खड़ी होती थी और ग्रिल के बगल से कोई आदमी गुजरता था, और इससे ज़्यादा उसने बहुत कुछ आदमियों को देखा नहीं था। उस माँ ने अपने जीवन में कभी एक ट्री, एक पेड़ नहीं देखा था, एक फ्लावर, एक फूल नहीं देखा था, और ना ही कोई एक चिड़िया देखी थी। और सी फेस डिस्क्रिमिनेशन एज अ चाइल्ड, एज अ गर्ल चाइल्ड यहाँ पर लिखा गया है, बिकॉज ऑफ द परनिशियस डॉरी सिस्टम दैट प्रिवलेंट इन रशिया, हर फादर लुक्ड विद ग्रेट डिसअप्रूवल ऑफ हिज ऑफस्प्रिंग हु वेयर ऑल गर्ल्स, वाइल हर विडोड आंट सेज, इफ ओनली योर डियर फादर ऑफ ब्लेस्ड मेमोरी हैव हैड लेफ्ट यू जस्ट अ टाइनी डॉरी, इट वुड हैव बीन सच अ हेल्प। द स्टोरी गिव्स अस एन आइडिया ऑफ सोसाइटी ऑफ द टाइम, नोट थ्रू डायरेक्ट स्टेटमेंट बट बाय इम्प्लीकेशन वी रियलाइज दैट नो इंपॉर्टेंस वॉज गिवन टू द एजुकेशन ऑफ गर्ल, एंड एट द एज ऑफ 15 द नरेटर्स मदर वॉज स्टिल इलिटरेट, सी लर्न्स टू रीड ओनली बिकॉज द विजिटर टेक्स अ पिटी ऑन हर बट सी इज फील्ड विद। तो ऐसा है कि वो जो माँ थी बचपन में भी किसकी शिकार थी, तो भेदभाव का शिकार थी, क्योंकि वह एक लड़की थी। और उस समय रसिया का जो डाउरी सिस्टम था, रसिया की जो दहेज प्रथा थी, वो काफ़ी कड़ी थी, काफ़ी भद्दी थी, बकवास थी। मतलब बहुत सारा पैसा जो है एक लड़की को दहेज में मिलता था, और इससे जो है लड़की के माता पिता गरीब हो जाते थे, और चूंकि लड़की के माता पिता मर चुके थे तो उसकी एक आंटी जो है उस लड़की को पालती थी, उस मदर को पालती थी, लेकिन वो जो आंटी थी वो भी उस लड़की के साथ बुरा व्यवहार करती थी, और वो आंखें दिखा दिखा कर उस लड़की से बात करती थी। तो यहाँ पर ये दिखाया गया है कि कैसे उस समय जो है ना डाउरी जो दहेज प्रथा थी खराब थी, और उस समय 15 वर्ष की उम्र बीत जाने के बाद भी वह मदर, जो नरेटर्स की मदर है या जुदा वतन की मदर है, वो इलिटरेट है, मूर्ख है, क्योंकि उस समय एजुकेशन, शिक्षा को कोई महत्व नहीं दिया जाता था। लेकिन बाद में वो जो मदर हैं वो थोड़ा बहुत पढ़ने लिखने को सीखना चाहती है, क्योंकि एक एक विजिटर जो कि रोज़ उस बेसमेंट या उस तहखाने के बगल से गुजरता था, तो उस विजिटर ने इस मदर के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखाई थी, और उसने कहा था कि तुम ऐसे ऐसे करो तो तुम जो है एक तरह से आगे बढ़ सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा गया, सी इज पुट टू स्क्रबिंग फ्लोर्स एंड वॉशिंग लिलियन एवरी डे फ्रॉम मॉर्निंग टिल मिड नाइट अंटिल सी ड्रॉप्ड एग्जॉस्टेड इन टू हर बेड इन द एटिक, बट सी परसिस्ट विथ हर स्टडीज एंड एक्वायर्स अ नर्स डिप्लोमा। तो ऐसा है कि जब एक बंदे की सहानुभूति इस मदर पर होती है तब ये पढ़ना स्टार्ट करती है, और ये पढ़ती है, पढ़ने के बाद ये कब पढ़ती है तो ये सारा दिन स्क्रबिंग फ्लोर साफ करती है, और लिनियन को सारा दिन साफ करती रहती है, मॉर्निंग टू टिल नाइट, सुबह से रात तक। और जब ये थक हार कर जब ये बेड पर जाती है तब ये पढ़ती है, और इसने एक नर्स की डिप्लोमा हासिल की है, और इसकी शादी भी करवा दी गई है, ठीक है, इसकी शादी करवा दी गई है, इसके सन एंड डॉटर हैं। सी ऑलवेज वांट्स टू गिव हर बेस्ट, और ये माता चुकी है अपने बचपन में कष्ट देख चुकी है, ये नर्स डिप्लोमा भी करती है, लेकिन नर्स डिप्लोमा करने के बाद ये जिस फर्म में काम करती है कुछ समय बाद सरकार उस फर्म को ही अवैध घोषित कर देती है, फिर इसका नर्स डिप्लोमा भी बेकार चला जाता है। तो फिर ये अपने पति से शादी कर लेती है ये मदर, उसके बाद इसको एक बेटा एक बेटी है, फिर ये सोचते हैं कि इसके बेटे बेटी को वो कष्ट ना हो जो कि इसने बचपन में झेले। अनफॉर्चुनेटली मोस्ट ऑफ हर ड्रीम्स कम टू नॉट एज सी रियलाइज दैट इवन इन द न्यू लैंड वेयर सी हैड होप्ड टू मेक अ न्यू बिगनिंग लाइफ इज जस्ट एज टफ फॉर द अंडर प्रिवलेज एज एनी वेयर इल्स। तो इसके जो ड्रीम है, जो सपने हैं, वो अचानक से टूट जाते हैं, इसका भी कोई फायदा नहीं होता। बट सी डिटरमाइंड दैट हर सन एंड हर डॉटर शुड साइन इन मेडिसिन, इन लिटरेचर, इन म्यूजिक। चूंकि पति से भी इसको निराशा हाथ लग जाती है, तब ये डिसाइड करती है कि इसका जो बेटा है और जो इसकी बेटी है वह मेडिसिन फील्ड में और लिटरेचर फील्ड में और म्यूजिक फील्ड में अपना परचम लहराए। चूंकि लिटरेचर और म्यूजिक उस समय की डिमांड थी, तो इसीलिए लिटरेचर और म्यूजिक फील्ड में इसका बेटा बेटी परचम लहराए, और मेडिसिन फील्ड में इसलिए लहराए क्योंकि ये महिला खुद ही नर्स की डिप्लोमा किए हुए थी। तो ये बात समझ में आ गई। एज मदर फेरी फीलिंगली से जस्ट बिकॉज वी आर पुअर मस्ट वी कीज आवर स्ट्रीविंग ही एफर्ट्स टू सिक्योर सम
सॉरी हर एफर्ट्स टू सिक्योर सम सॉर्ट ऑफ डिसेंट एजुकेशन एंड कल्चर फॉर हर चिल्ड्रेन आर डूम्ड टू फेल्योर बिकॉज ऑफ लैक्स ऑफ फंड. दिस सिनेरियो सक्सेस इन डिफीटिंग हर अर्ली ऑप्टिमिज्म एट द एंड ऑफ द स्टोरी द मदर इज डिजेक्टेड डिसहार्टेड एंड डिमोटेड सॉल हु सेज आई कैन नेवर फाइंड माई वे इन दिस लाइफ हेयर द ओनली रे ऑफ होप इज दैट हर चिल्ड्रेन एंड मे बी एबल टू फाइंड इन एंड नोट बी स्वेलोड अप इन द स्मग स्मूथ एटमोसफेयर ऑफ न्यू कंट्री. तो ऐसा है कि चूंकि यह जो मदर थी यह रसिया से ऑस्ट्रिया आई हुई थी तो यह गरीब थी तो इसके वजह से यह कहती कि क्योंकि हम गरीब हैं तो क्या हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, हम जो है एक डिसेंट एजुकेशन प्राप्त नहीं कर सकते हैं. तो उसके बाद यह कहती है कि हम तो हार गए और हमारे पास आशा की कोई किरण नहीं है और यह जो माता है यह डिसहार्टेंड है और डिमोटिवेटेड है. बट फिर भी कहती है कि कोई बात नहीं, मैं तो हार गया हूँ, मुझे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरे जो बाल बच्चे हैं वह बहुत जल्द ही आशा करते हैं कि इस कंट्री के अंदर फिट हो जाए इस स्मूथ एटमोसफेयर में और अपना जीवन जो है आगे की ओर बढ़ाए. द स्टोरी पोर्ट्रेज द एंजाइटीज एंड टेंशन ऑफ द मदर जुड़ा वटन विच इज द न्यू इमिग्रेंट हैड टू अंडरग्रो वाइल सिटिंग ऑन द न्यू लैंड. तो स्टोरी जो है यह दिखाता है एंजाइटी एंड टेंशंस को, किसकी टेंशंस को, तो मदर के. और ये किसकी मदर है, तो ऑलमोस्ट जुड़ा वटन की मदर है. और जो जुड़ा वटन की जो मदर है, चूँकि यह दूसरे कंट्री में आई है, एक नए लैंड में आई है, तो ये इतनी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है इसको. तो आई होप आप लोग इसको समझे होंगे. अब आगे बढ़ते हैं. तो ये वाला जो समरी था ये भी हम लोग देख चुके हैं. अब क्वेश्चन है कि राइट अ कैरेक्टर स्केच ऑफ द प्रोटागोनिस्ट ऑफ द स्टोरी मदर बाय जुड़ा वटन एज द लाइफ कैन बी चॉप्ड इनटू नीट 12 मंथ पार्सल. तो यही 12 मंथ केज वाला जो मैंने आपको कहा था, या 12 मंथ पार्सल. ऐसा लग रहा था कि जो मदर है उसकी लाइफ 12 महीने का एक पार्सल है. इट्स डिड्स नोट ईयर्स दैट मैटर. इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ, यहाँ पर मैंने गलती कर दी है थोड़ी सी, मैं माफ़ी चाहूँगा. ये और नहीं होगा बल्कि ये और ये टोटल पूरा एक है. मैं इसको आगे पीडीएफ जब दूंगा तो इसको मैं ठीक कर दूंगा. तो ये लाइन जो है बोला गया है कि एज द लाइफ कैन बी चॉप्ड इंटू नीट 12 मंथ पार्सल इट डीड्स नो टीयर्स दैट मैटर नैरेट द कैरेक्टर ऑफ मदर्स इन द लाइट ऑफ द एबव स्टेटमेंट इन जुड़ा वटन्स स्टोरी मदर. तो इस स्टोरी के आधार पर कैरेक्टर को डिस्प्ले करना है. इन इज स्टोरी मदर जुड़ा वटन्स टेल्स अस अबाउट अ पर्सन हु बियर्स अ नंबर ऑफ हार्डशिप्स थ्रू आउट हर लाइफ विथ हर ग्रेट डिग्निटी डिस्कस द कैरेक्टर ऑफ मदर इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट. तो हर जगह पर मदर के कैरेक्टर को दिखाना है. तो जो प्रोटागोनिस्ट है वो मदर है. एड्रेस थ्रू आउट एज अ मदर सी हैड अ सैड फेस, मतलब जो मदर है उसका फेस सैड है. डार्क ब्राउन आइज है, ब्लैक हेयर है और टीनी फिजिक है. टीनी फिजिक से मेरा मतलब हो गया, आपको फिजिक का मतलब होता है काया, मतलब पतली काया है. स्टूप थोड़ी झुकी हुई है. बट सी इज जेंटल एंड सॉफ्ट स्पोकन, फिर भी वो शांत है, जेंटल है और मृदुभाषी है. अब आगे बढ़ते हैं. हर gestures are measured and at times she functions automatically her mind far away from her body as the story reveals she has sorry यहाँ पर भी एक मैंने mistake किया हुआ, ये और ये आपस में मिल जाना चाहिए था. she had a neglected childhood as is reflected in from the iron grill of the basement she saw the soles of the shoes of the passers by not very much more she had never seen a tree a flower or a bird orphaned at young age of 15 she had lived with her aunt who tucked her away from the prying eyes of the customer in the tap rooms. to aisa hai कि ये बताने की कोशिश की जा रही है कि इस स्टोरी में जो महिला है वो अच्छी है, मृदुभाषी है, लेकिन फिर भी वो महिला का जो उस मदर का जो चाइल्डहुड है वो नेगलेक्टेड है, उसका जो बचपन है वो काफ़ी बेकार बीता है. एज इन रिफ्लेक्टेड इन, जैसा कि स्टोरी में दिखाया गया है कि वो जो महिला है, वो जो महिला जो बच्चे के बच्ची है, वो एक आयरन ग्रिल जो बेसमेंट में था वहाँ कैद होती थी और वहाँ से वो सिर्फ और सिर्फ आसपास से गुजरने वाले के जूते को देख पाती थी और उससे ज़्यादा कुछ नहीं. और ना ही उसने अपने जीवन में ट्री देखा है, ना ही फ्लावर, ना ही मतलब फूल देखे थे, ना ही बर्ड, ना ही पक्षी को देखा था. और वो
15 वर्ष की उम्र में ही क्या थी, आपको एक तरह से अनाथ थी, और यह महिला या ये मदर अपने आंटी के साथ रहती थी, जो कि हमेशा इसको आंख दिखाती रहती थी और एक तरह से टेप रूम मैखाने के अंदर कैद रखती थी। एवरी इवनिंग हर आंट वुड गेज एट हर विथ स्टार्टल्ड आइज एज इफ सरप्राइज टू फाइंड हर अमॉन्ग द फैमिली फॉर द फर्स्ट टाइम। मदर फाइंड्स अ वे टू एंड हर प्रेजेंट ड्रियरी लाइफ थ्रू बुक्स। तो ऐसा कि प्रत्येक इवनिंग, प्रत्येक शाम को उसकी जो आंटी होती थी, मदर की आंटी, वो आंख दिखाती थी और सरप्राइज होती थी कि कैसे ये बच्ची हमारी फैमिली में आ गई है, बेकार में ही आ गई है। और फर्स्ट टाइम इस माँ को एक तरीका मिलता है अपने इस ड्रियरी का मतलब होता है सुनसान लाइफ से छुटकारा पाने का, और वो तरीका होता है बुक के माध्यम से, वो विच ओपन्स अनदर वर्ल्ड फील्ड विथ वार्म्स एंड इंटरेस्टिंग थिंग्स। और वो बुक पढ़ती है और ये इसके लिए एक नई दुनिया खोलती है जिसमें कि इंटरेस्टिंग थिंग्स होती है। एंड इन इट देयर वॉज श्योरली अ प्लेस ऑफ हर मदर एजुकेट हर सेल्फ विच गिव्स अ करेज टू परस्यू ए जॉब इन हॉस्पिटल। और माता जो उसकी है बुक के माध्यम से पढ़ती है, अपने आप को करेज करती है, खुद को एजुकेट करती है और अपने आप को उत्साहित करती है एक जॉब, एक हॉस्पिटल में जॉब के लिए। एंड सो फाइंड अ हस्बैंड, और एक पति भी प्राप्त करती है। और मैरिड लाइफ हैज़ इट्स ओन शेयर ऑफ ग्रीफ एंड सोरो। और उस माता की जो लाइफ होती है, शादीशुदा वाली लाइफ होती है, उसमें भी दुख और सोरो कड़वापन है। हर हस्बैंड इज ऑल दैट सी इज नोट। वो उसके पति वैसे हैं जैसे कि वह नहीं है। आफ्टर द इनिशियल रोमांस इज ओवर सी फेल्स टू अंडरस्टैंड हिज एटीट्यूड टुवार्ड्स हर लाइफ वर्क एंड फैमिली। दिस फोर्सेस हर टू टेक द डिसीजन टू माइग्रेट टू ऑस्ट्रेलिया वेयर सी ऑलवेज रिमेन्स कंसियसली एन आउटसाइडर। हर डिजायर टू गिव द बेस्ट टू हर सन एंड डॉटर्स एंड हर पॉसेसिव लव्स टुवार्ड्स देम रिफ्लेक्ट द कॉम्प्लेक्सिटीज दैट लाइफ ऑफर्स। तो ऐसा है जब फाइनल इनिशियल रोमांस ओवर हो जाता है इस मदर और उसके पति का, तब वो समझ जाती है कि उसका जो पति है वो ऐसा नहीं है जो कि अपने बाल बच्चों के बारे में सोचे। तब वो फिर वो रसिया से माइग्रेट कर जाती है ऑस्ट्रेलिया, और यहाँ से वो हमेशा अपने बच्चों को बेस्ट देने की कोशिश करती है और उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देने की कोशिश करती है। आई होप आप लोग इसको समझे होंगे। अब आगे बढ़ते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द समरी एंड एनालिसिस ऑफ शूटिंग एन एलिफेंट। ये जॉर्ज ऑरवेल के द्वारा लिखा गया एक शॉर्ट स्टोरी है, इसको भी डिस्कस करना है। डिस्कस ऑरवेल्स व्यूज ऑन ब्रिटिश इंपीरियलिज्म एज दे इमर्ज इन द एसे शूटिंग एन एलिफेंट। तो यही है, खैर इसको इरेज करते हैं, अब स्टोरी को समझते हैं। तो जो शूटिंग एन एलिफेंट है, यह जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखा गया एक नैरेटिव एसे है, या इसको आप कभी कभी शॉर्ट स्टोरी भी कह सकते हैं। और ये जो ऑरवेल ने ये स्टोरी लिखी है, वो एज अ पुलिस ऑफिसर, मतलब पुलिस ऑफिसर रहते हुए इन्होंने ये शूटिंग एन एलिफेंट करके एक एसे लिखा है। और ये ब्रिटिश राज में जो कॉलोनियल बर्मा था, जो कि आपको गुलाम बर्मा था, उस गुलाम बर्मा के अंदर यह एक पुलिस ऑफिसर थे और ये ब्रिटिश पुलिस ऑफिसर थे, और उसी समय में इसने यह शूटिंग एन एलिफेंट की एक स्टोरी लिखी है। और इस द एसे डिल्व्स इनटू एन इनर कॉन्फ्लिक्ट दैट ऑरवेल एक्सपीरियंस इन हिज रोल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द ब्रिटिश एम्पायर एंड अपहोल्डिंग द लॉ। एट द ओपनिंग ऑफ द एसे ऑरवेल एक्सप्लेन दैट ही इज अपोज टू द ब्रिटिश कॉलोनियल प्रोजेक्ट इन बर्मा। In explicit term, he says that he is on the side of the Burmese people who he feels and oppressed by colonial rule. As the police officer, he sees the brutality of the imperial project up close and first hand. He resents the British presence in the country. George Orwell works as the sub-divisional police officer of a town in the British colony of Burma. Because he is military occupier, he is hated by much of the village. Thus, the Burmese never stage a full revolt. They express their disgust by taunting Orwell at every opportunity. This situation provokes two conflicting responses in Orwell. On the other hand, his role makes him despise the British Empire's systematic mistreatment of its subject. On the other hand, however, he resents the local because of how they torment him. Orwell is caught between considering the British Raj and unbreakable tyranny and believing that killing a troublesome villager would be the greatest joy in the world. तो ऐसा है कि जो ये जॉर्ज ऑरवेल थे ना, इसके पास कोई काम धंधा था नहीं स्टार्टिंग में, ये बेरोजगार थे। अचानक से इसको ऑफर मिला कि आप ब्रिटिश राज में कॉलोनियल बर्मा में एक पुलिस ऑफिसर के जॉब पर काम करना चाहेंगे, तो इसने
ना चाहते हुए भी उसको यस कर दिया, क्योंकि इसको पैसे की ज़रूरत थी और इसको जॉब की ज़रूरत थी, तो इसने यस कर दिया। और जब ये बर्मा पहुँचे तो क्या है कि ये बर्मीज़ लोगों को देखे तो इनको बड़ा दुख हुआ, क्योंकि बर्मा के जो लोग थे उसको बहुत ही बुरे तरीके से अंग्रेज़ों ने गुलाम बना कर रखा था। खाना पीना, सोना उठना बैठना सब चीज़ों पर किसका कब्जा था? तो आपको यूरोपियंस का कब्जा था, जो अंग्रेज लोगों का कब्जा था इन बर्मीज़ लोगों पर। अब देखिए, अब ये जो कब्जा था और ये जो दुख था बर्मीज़ लोगों के साथ, इसको ये जॉर्ज ऑरवेल देख नहीं पाते थे। ये अनचाहे मन से ना चाहते हुए भी क्या करते थे, तो इस जगह पे जॉब करते थे इस बर्मा के अंदर और अपना जीवन यापन करते थे। और चूंकि यह एक सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर थे और यह एक सब डिविजनल यूरोपियन पुलिस ऑफिसर थे, या फिर यूँ कहेंगे सब डिविजनल इंग्लिश पुलिस ऑफिसर थे, तो इस वजह से बर्मा के लोग इससे नफरत करते थे, इनका मजाक उड़ाते रहते थे। चूंकि ये बहुत शांत टाइप के थे, और कोई पुलिस वाला होता तो धाएं, एक फायरिंग करता, कहानी खत्म। लेकिन जो ये आपको ये जॉर्ज ऑरवेल थे, ये बहुत शांत टाइप के थे, इस वजह से क्या होता था कि इनका मजाक उड़ाया जाता था और लोग इनसे नफरत करते थे। लेकिन फिर भी ये किसी को कुछ कहते नहीं थे। हालांकि ये कहते थे कि देखो भाई बर्मीज पीपल्स, और तुम जो हो ना, सॉरी मैं जो हूँ ना, मैं तुम्ही लोगों की तरफ से हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम जिस परेशानी में हो वो तुम्हारी परेशानी खत्म हो जाए। लेकिन क्या कर सकते, ये जो ब्रिटिश राज्य है यह एक तरह से अनब्रेकेबल टायरनी है, इसका साम्राज्य जो है ना ये बहुत बड़ा हो चुका है, इसको तोड़ना असंभव है। लेकिन फिर भी ये गाहे बगाए ये जो जॉर्ज ऑरवेल थे अपने तरफ से बर्मीज लोगों की मदद करते रहते थे, लेकिन फिर भी बर्मीज लोग इनसे नफरत करते थे क्योंकि ये एक ब्रिटिश सब डिविजनल पुलिस ऑफिसर थे। खैर, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, बर्मा है कहाँ, यह भी एक पॉइंट है दोस्तों। बर्मा है कहाँ, तो ये बर्मा कहीं नहीं है दोस्तों, भारत के जस्ट बगल में है, जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है उसके जस्ट ऊपर में बर्मा है, आप लोग देख लीजिएगा। खैर, अब आते हैं इंसिडेंट और स्टोरी पर। तो ऐसा है कि चूंकि इनका मजाक हमेशा उड़ाया जाता था इस जॉर्ज ऑरवेल का, तो एक ऐसा मौका आया जब जॉर्ज ऑरवेल को अपनी जो बहादुरी है वो दिखाने का मौका मिला। मतलब एक तरह से कह लें कि अब जॉर्ज ऑरवेल पूरा खुश था, मतलब जॉर्ज ऑरवेल अब ये दिखाना चाह रहा था उस मौके पर कि देखो भाई मैं तुम्हारे लिए हूँ और मैं बहुत बहादुर हूँ और तुम लोग मेरा मजाक मत उड़ाओ, मैं तुम्हारी सेवा के लिए ही हूँ। तो हुआ कुछ ऐसा था कि एक हाथी जो है ना, एक पालतू हाथी, वो कहीं से छूट करके भाग गया था। और वो जो हाथी है वो इधर उधर भाग रहा था, इधर एक सेकेंड, ऊपर में कुछ लिखा गया, मैं देख लेता हूँ एक बार कहाँ चला गया अभी। हाँ, ओह सॉरी, द ओनली पर्सन कैपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द एलिवेंट इज महावत। हाँ, जो एक यहाँ पर से दिखाया गया है, तो एक जो हाथी है, पालतू हाथी था, वो भाग गया था और उसको कंट्रोल करने वाला जो महावत था वो क्या था, तो 12 घंटे से कहीं चला गया था। एक सेकंड, क्या यही लिखा हुआ है, एक सेकंड मैं फिर से क्लियर कर लेता हूँ। हाँ, द ओनली पर्सन केपेबल ऑफ कंट्रोलिंग द एलिफेंट इट्स महावत वेंट लुकिंग फॉर द एलिफेंट इन द रॉन्ग डायरेक्शन एंड इज नाउ 12 आवर्स अवे। ऑरवेल गोज टू द नेबरहुड वेयर द एलिफेंट वॉज लास्ट स्पॉटेड। अच्छा, हाँ, अब समझ में आ गई बात। तो ऐसा है कि जो महावत कंट्रोल करने वाला होता था वो नहीं था, और 12 घंटे बीत गए थे, वो पालतू हाथी इधर उधर भाग रहा था। और ऑरविल को अचानक से एक कॉल आता है कि देखिए भाई, यह हाथी जो है, पालतू हाथी इधर उधर छूट गया है, मतलब इधर उधर हड़कंप मचा रहा है, लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, आप जल्दी से आइए और बचाइए लोगों को। तो अब ये जो ऑरविल है, इसको मौका मिल गया, ये दौड़ा दौड़ा भागा और उस जगह पर पहुंचा जहां पर लास्ट टाइम हाथी देखा गया था। और जब लास्ट टाइम वहां पर जो हाथी देखा गया, तो वहां कुछ लोग देखे गए, तो लोगों से पूछा गया कि हाथी अब किधर गया, मतलब ऑरवेल ने पूछा कि हाथी किधर गया। तो लोगों ने बताया कि हाथी उधर गया। तो जब ऑरवेल उधर जाता है तो वहाँ देखता है कि एक आदमी जो है ना, एक कुली, एक लेबर है, वो डेड पड़ा हुआ है मड में, कीचड़ में। तो वो मरा कैसे, उसको उसी हाथी ने मार दिया है कुचल कर। तो ये चीज़ ऑरवेल ने देखा, अब ऑरवेल को गुस्सा आ गया। तो ऑरवेल जो है अपने जो कलीग्स होते हैं, जो उसका जो जूनियर ऑफिसर था, उसको बोलता है कि जाओ बंदूक लेकर के आओ, आज हम इस एलिफेंट को मार ही देंगे, उड़ा ही देंगे।
और जो ऑरवेल का सबॉर्डिनेट्स है अब बंदूक लेकर के आता है। और अब जब बंदूक लेकर के जब ऑरवेल का सबॉर्डिनेट्स आता है, अब ऑरवेल के जो जूनियर्स जूनियर ऑफिसर्स हैं वो आते हैं, तो उसके पीछे जो बर्मीज लोगों की जो लोकल भीड़ है वो भी आती है। वो ये देखना चाहती है कि कैसे एलिफेंट को ये ऑरवेल मारता है। अब ऑरवेल आगे जाता है और वहाँ देखता है कि जो चावल के खेत हैं, चावल के खेत के पास ये जो है एलिफेंट एकदम शांत मतलब बैठ गया है। अब ऑरवेल जब ऐसे ही देखता है कि अब तो हाथी शांत हो गया है, तो ऑरवेल जो है जॉर्ज ऑरवेल अपने आप को अनकंफर्टेबल महसूस करता है और वो सोचता है कि अब मैं इस हाथी को नहीं मारूंगा। लेकिन चूंकि हाथी को ये मारने वाला था ऑरवेल, तो इसके पीछे जो है काफ़ी सारे लोग आ गए थे। अब बेचारा ऑरवेल बुरा फंसता है, क्योंकि अगर वो हाथी को नहीं मारता तो जो बर्मीज लोग थे इसका और मजाक उड़ाते, और हाथी को अगर ये मार देता तो लोग खुश हो जाते। अब बेचारा अपने इज्जत को बचाने के लिए हाथी को मार देता है। अब हाथी को मार देता है तो ये सोचता है कि अब लोग वाह वाह करेंगे और मेरी तारीफ करेंगे, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। होता कुछ ऐसा है कि जैसे ही हाथी मरता है तो लोग दौड़े दौड़े जाते हैं और उस हाथी के मांस को काट काट करके अपना अपना झोला भर करके चले जाते हैं। और उसके बाद बेचारा जो जॉर्ज ऑरवेल है उसको कोई कुछ नहीं कहता है। बेचारा अब जॉर्ज ऑरवेल पछताता है कि अब मैंने ये क्या कर दिया, लोगों के जो अंदर इंसानियत है वो मर गई है, और मैंने बेकार में ही लोगों की जो ये वैमनस्यता है, लोगों की जो मूर्खता है, उसके चक्कर में मैंने एक बेजान या एक ऐसे जानवर को मार दिया जो कि कुछ बोल नहीं सकता। बेचारा परेशानी में जाता है घर को। और अगले दिन जब नेक्स्ट डे ऑफिस आता है तो उसका एक जूनियर होता है, वो भी कहता है कि आपने बेकार में उस हाथी को मार दिया। जो वो लेबर उस मड में उस कीचड़ में पड़ा हुआ था, उस लेबर से ज़्यादा कीमत थी उस हाथी की, और आपने उस हाथी को ही मार दिया, यह आपने बिल्कुल गलत किया। और इसके बाद वो बेचारा ऑरवेल बहुत पछताता है कि उसने क्या कर दिया, उसने बहुत गलत कर दिया। और जिन लोगों के लिए उसने इन हाथी को मारा, उन लोगों ने भी इस जॉर्ज ऑरवेल की या उसकी कोई भी सराहना नहीं की, या फिर कोई इज्जत उसको नहीं दिया। बेचारा जॉर्ज ऑरवेल पछताता पछताता घर की ओर चला जाता है। तो ये थी समरी। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। इसमें और कुछ है नहीं यार, ये वाला क्या था, हाँ यही तो थी स्टोरी। तो अब नौवां नंबर क्वेश्चन है कि डिस्कस द वैरायटी ऑफ प्रोज इन शूटिंग एन एलिफेंट बाय ऑरवेल। तो एक ऐसा है कि जो ऊपर में मैंने सबसे पहले ऊपर में दूसरे नंबर क्वेश्चन में शायद मैंने वैरायटी ऑफ प्रोज के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, नैरेटिव और पर्सुएसिव टेक्स्ट के बारे में बताया था। तो क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि जो ये जो शूटिंग एन एलिफेंट है जो कि ऑरवेल के द्वारा लिखा गया, इसमें किस तरह के वैरायटी का प्रयोग किया गया, प्रोज के किस वैरायटी का प्रयोग किया गया है। तो सबसे पहले नैरेटिव मोड का यूज़ किया गया है। शूटिंग एन एलिफेंट में नैरेटिव मोड है, क्योंकि नैरेटिव मोड के बारे में मैंने क्या कहा था तो फर्स्ट पर्सन। तो इसमें देखिए जो फर्स्ट पर्सन कौन है, तो जॉर्ज ऑरवेल है, और जॉर्ज ऑरवेल खुद ही इस स्टोरी को नैरेट कर रहे हैं। जॉर्ज ऑरवेल बता रहे हैं कि कैसे उसने अपनी मूर्खता की वजह से एक हाथी की जान ले ली और साथ ही इज्जत भी ना कमा पाया। तो नैरेटिव मोड को यहाँ दिखाया गया है, और यहाँ पर लिखा गया ही इमीडिएटली एस्टेब्लिश अ रैपर्ट विथ द रीडर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑनवर्ड वी आर ईवर डिस्कवरिंग न्यू फैक्ट्स ऑफ द स्टोरी। सॉरी यहाँ पर है, शूटिंग बिगन दस अर्ली वन मॉर्निंग द सब इंस्पेक्टर एट द पुलिस स्टेशन। इसी लाइन में आपको पता चल जाएगा कि ये नैरेटिव मोड में लिखा गया। एक्सपोजिटरी मोड की बात करते हैं, तो एक्सपोजिटरी मोड मोस्ट कॉमन फॉर्म होता है, और ये मैसेज देने के लिए किया जाता है या फिर इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए किया जाता है। जैसे कि कॉल आया था कि भैया यहाँ पर हाथी है, इसको ये हाहाकार मचा रहा है, आइए इसको मारिए। तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड किया गया, तो इसका मतलब क्या, ये एक्सपोजिटरी मोड है। और यहाँ पर एक चीज़ और दिखाया गया है कि कैसे जो है हाथी के माध्यम से एक इविल को दिखाया गया, कैसे हाथी जो वो हाहाकार मचाता है, तो वो ये दिखा रहा है कि भैया कैसे अंग्रेज लोगों ने बर्मा के अंदर हाहाकार मचाए हुए था। इम्पेरियलिज्म इज अ इविल, तो ये दिखाया गया है। तो यही एक्सपोजिटरी मोड। ऑरवेल पॉइंट्स ऑफ व्यू इज वेरी क्लियरली स्टेटेड एंड इफेक्टिव आर्ग्यूड इन द होल ऑफ द सेकेंड पैराग्राफ एंड इट इज कंटिन्यूड इन द फर्स्ट टू सेंटेंस ऑफ द थर्ड पैराग्राफ। अकॉर्डिंग टू हिम द नैरेटिव वुड एक्सपोज द रियल मोटिव्स बिहाइंड द एक्शंस ऑफ द डिस्पोटिक गवर्नमेंट्स। तो यह है द एक्सपोजिटरी मोड, इस मोड का भी यूज किया गया था। अब आगे डिस्क्रिप्टिव मोड का भी यूज किया गया है। ज़्यादा डीप बातें जो हैं वो डिस्क्रिप्टिव मोड में दिखाई जाती है। तो शूटिंग एन एलिफेंट में भी बहुत सारी डीप चीज़ें दिखाई गई हैं, जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ।
कहाँ गया भाई, कहाँ चला गया? हाँ, वी सी इट सडनली स्ट्रिकन श्रंकेन इमेंशनली ओल्ड आफ्टर इट हैज बीन शॉट फॉर द फर्स्ट टाइम. वी सी इट माउस स्लोवर विथ सेनिलिटी सेटलिंग अपॉन हिम. ऑरवेल प्रेजेंट्स अ ग्राफिक पिक्चर ऑफ एनिमल आफ्टर एवरी शॉट. आफ्टर द फिफ्थ वन वी सी इट्स ब्लड पॉरिंग आउट ऑफ इट्स हर्ट स्प्रेडिंग लाइक अ रेड वेलवेट. तो फिर जब पांचवा शॉट मारते हैं ये जॉर्ज ऑरवेल, तब वो कहते हैं कि ब्लड जो है वो पूरे हार्ट से, हृदय से निकल रहा है और ये पूरा फैल रहा है जैसे कि रेड वेलवेट फैल रहा हो. ओवरऑल कंपेयर्स ऑरवेल कंपेयर्स द रेगुलर गैस्प ऑफ द डाइंग एनिमल विद द टिकिंग ऑफ अ क्लॉक. बट द कंपेरिजन डज मोर. इट कन्वेज ए सेंस ऑफ स्टिलनेस इन विच द मैन एंड एलिफेंट सीम्स टू बी अलोन. We know that the Burmese are already rushing towards the dying beast, and it is clear that much activity was afoot. However, at that moment, Orwell is not aware of dying beast, and he was conveyed this by his reference to be ticking of a clock, a sound heard only in silence. The effect here is a stroke of genius, master artist. तो यह example किसका है? कहाँ चला गया अभी? यह है डिस्क्रिप्टिव मोड का. मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में दिखाई गई है. जैसे कि जो जॉर्ज ऑरवेल है गोली मारता है, जितनी बार गोली मारता है हाथी को उतने बार उसके मन में कुछ नई चीज़ें उभर कर आती हैं. तो वो डिस्क्रिप्शन देता है कि कैसे गोली लगी, कैसे हृदय छलनी हुआ, कैसे रेड वेलवेट की तरह खून जो है वो फैल रहा है. तो ये डिस्क्रिप्टिव मोड है. तो ये यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ऑलमोस्ट तीनों ही मोड्स का जो यूज है यह जॉर्ज ऑरवेल द्वारा लिखी गई शूटिंग एन एलिफेंट में किया गया है. मतलब तीनों ही वैरायटी ऑफ प्रोजेस का यूज जो है इसमें किया गया है. अब अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द एसे ऑन सीइंग इंग्लैंड फॉर द फर्स्ट टाइम ऑफ जमाइका किनसेड या किनसेड जो कहिए आप. व्हाई डिड द किनसेड चूज टू ट्रेवल टू इंग्लैंड व्हेन शी हैड सच ए डिसलाइक टुवर्ड्स इट. Explain, write a critical note on the prose style of On Seeing England for the first time. Give examples. Kinsead has presented a strike contrast between the English situation and Antiguan reality. Do you agree? Analyze the theme of On Seeing England for the first time by Jamaica Kinsead. Jamaica Kinsead On Seeing England for the first time is a personal essay that आगे express her anger. Sarcasm or pathos discuss on seeing England for the first time is laced with sarcasm, irony and pathos discuss with reference to Kinsead prose style. तो ये जो है ना जमाइका किनसेड के द्वारा लिखी गई ये क्या कहते हैं on seeing England. जमाइका किनसेड के द्वारा लिखी गई एक एसे है. क्या है? जमाइका किनसेड ने एज अ स्टोरी इसको लिखा था. आई होप आप लोग इसको समझ गए. और ये जो जमाइका किनसेड थी यह एक एंटीगुआन राइटर थी. एंटीगुआ की रहने वाली थी. कहाँ की रहने वाली थी? तो एंटीगुआ की रहने वाली थी. और ये एंटीगुआ कहाँ है? तो कैरेबिया का एक देश है. आई होप आप लोग इसको समझ गए होंगे. अब चलते हैं सीधे ये ऐसे है क्या. तो देखिए ऐसा है कि जमाइका किनसेड अगर जमाइका किनसेड की जो ये ऐसे है उसके फर्स्ट पैराग्राफ की बात करें तो इसमें ये लिखा गया है कि किनसेड कहती है कि इंग्लैंड को अगर वो नक्शे पर देखती है किनसेड बचपन से अगर इंग्लैंड को एक नक्शे पर देखती है तो उसे वो लगता है कि यह एक लेग ऑफ मटन है. मटन का एक पैर है. मतलब इंग्लैंड एक मटन के पैर के जैसा दिखता है अगर वो नक्शे पर देखती है. बट क्विकली इरेज द कंपेरिजन बिकॉज. लेकिन वो तुरंत ही अपने कंपेरिजन को इरेज कर देती है. बिकॉज सी हैड बीन कंसिडर्ड टू थिंक ऑफ इंग्लैंड एज अ ग्रेट लैंड विच कुड नॉट बी कंपेयर्ड विथ फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स लाइक अ लेग ऑफ मटन. तो फिर वो अपने तुरंत ही अपने जो मस्तिष्क में जो कंपेरिजन आया उसको चेंज करती है क्योंकि उसको ऐसा सोचने के लिए कहा गया है कि इंग्लैंड बहुत ग्रेट कंट्री है, ये बहुत बड़ा लैंड है और इसको कंपेयर नहीं किया जा सकता है किसी भी फैमिलियर ऑब्जेक्ट जैसे कि लेग ऑफ मटन से. सी थाउट ऑफ इंग्लैंड एज अ प्रीसियस ज्वेल. वह इंग्लैंड के बारे में ऐसा सोचती है कि इंग्लैंड एक प्रीसियस ज्वेल है, काफ़ी महंगा ज्वेल है और केवल इसको इंग्लिश लोग ही पहन सकते हैं और इंग्लिश लोगों को ही इसे पहनने का अधिकार है. फॉर द एंटीगुअंस इंग्लैंड वॉज अ डिस्टेंट लैंड ए होली लैंड लाइक जेरूसलम. जैसे कि एंटीगुअंस के लिए इंग्लैंड ऐसा ही एक होली लैंड है जैसे कि जेरूसलम एक होली लैंड है उनके लिए. इन शॉर्ट अंडर देयर कॉलोनियल मास्टर्स एंटीगुअंस हैव नो एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ऑन एक्सेप्ट
व्हाट द इंग्लिश इम्पोज ऑन हिम। अगर साधारण तौर पर कहें तो जो जो एंटीगुअन जो गुलाम एंटीगुआ है उसके अंदर एंटीगुअंस का कोई भी एग्जिस्टेंस नहीं है, बल्कि एंटीगुअंस बस वो है जो कि इंग्लिश जो अंग्रेज लोगों ने उस पर थोपा है। तो ऐसा है भैया कि जो एंटीगुआ जो कंट्री है उस पर भी एक समय अंग्रेजों का कब्जा था, यूरोपियंस का कब्जा था। मैं एक तरह से क्या कहूँ, मतलब यूरोपियंस पूरे संसार में ही कब्जा करे हुए बैठे हुए थे। इंडिया पर कब्जा किया, बर्मा पर कब्जा किया, उसके बाद एंटीगुआ पर कब्जा किया, अफ्रीका के कंटिनेंट्स पर कब्जा किया, केनिया में कब्जा किया। तो मतलब वो सब उनका यही रूल ही था, कॉलोनीज बनाओ उस पर राज करो। तो यही चीज़ें यहाँ पर लिखी गई हैं। बचपन से ही ये जो जमैका किनसेड थी इसको इंग्लैंड से नफरत था, क्योंकि बचपन से ही ये गुलाम एंटीगुआ में रही थी। तो इन्होंने आगे इरादा किया कि क्यों ना ये इंग्लैंड जाकर इंग्लैंड की सच्चाई को देखें, क्योंकि इसको बचपन से ही इंग्लैंड से नफरत थी। तो ये इंग्लैंड जाकर वो सच्चाई देखती है और उसी सच्चाई को यहाँ बयान करती है। तो वही सारी चीज़ें यहाँ लिखी गई हैं। तो पहले पैराग्राफ में बचपन की बातें बताई गई हैं कि कैसे इंग्लैंड को एक हॉली लैंड माना गया था, कैसे इंग्लैंड को एक प्रीसियस ज्वेल के तौर पर माना गया था। अब सेकेंड पैराग्राफ की बात करते हैं। तो इसमें क्या है कि द ऑथर टेल्स अस दैट एंटीगुअंस हैड नथिंग दे कुड कॉल देयर ऑन। एंटीगुअंस के पास अपना कुछ भी नहीं है जिसे वो अपना कह सके। एज अ चाइल्ड बचपन में किंगसेड हैज रियलाइज्ड दैट एवरी थिंग फ्रॉम ब्रेकफास्ट सीरियल्स टू स्कूल यूनिफॉर्म फ्रॉम शूज टू हैट्स एंड कार्स प्लेइंग ऑन द स्ट्रीट्स ऑफ एंटीगुआ वेयर मेड इन इंग्लैंड। मतलब कुछ भी, चाहे ब्रेकफास्ट हो मतलब नाश्ता हो सुबह का, सीरियल्स अनाज हो, स्कूल यूनिफॉर्म हो, कुछ भी हो, जूते हो, हैट हो, टोपियां हो, कार हो, सब कुछ जो कि खेलने के लिए कार्स प्लेइंग ऑन स्ट्रीट, मतलब जो कार्स जो कि एंटीगुआ के स्ट्रीट्स पर खेलते हैं बच्चे, वो सब कुछ इंग्लैंड में बनते थे। दस द सेकेंड पैराग्राफ टेक्स ऑफ फ्रॉम द फर्स्ट एंड रिट्रेट्स दैट एंटीगुआ वॉज नथिंग एक्सेप्ट वाट इंग्लैंड गेव इट टू एग्जिस्ट एज अ ब्रिटिश कॉलोनी। तो मतलब कि जो सेकेंड पैराग्राफ है वो ये बताता है कि एंटीगुअंस के पास अपना कुछ नहीं था, केवल वही था जो कि इंग्लैंड उसे देता था एज अ ब्रिटिश कॉलोनी मान करके इंग्लैंड उसे देता था। अब देखिए दोस्तों, आगे बढ़ने से पूर्व मैं आपको बता दूं कि ये जो आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा है इसकी जो PDF है वो आप लोगों को 9523779253 पर व्हाट्सएप करने से मिल जाएंगी, या फिर आप चाहें तो www.ignotipsassignment.com पर जाकर के भी इसको परचेज कर सकते हैं, ignotipsassignment.com, समझ गए। और आप लोग मुझे फॉलो भी कर सकते हैं, मोहनी सारियन यहाँ पर लिख के आ रहा होगा, मोहनी सारियन एक छोटा सा डैश, इंस्टा पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। खैर, इतनी बात समझ में आ गई, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि I had long ago been conquered is full of anguish. She feels that she had no identity of her own and that she had been erased completely. The only thing that mattered was the compulsion to know about England and feel a sense of away at its might and sense of smallness because she was not English by birth, although by her upbringing was English. तो वो कहती है कि उसका अपना कुछ भी आइडेंटिटी नहीं है, सब कुछ इरेज कर दिया गया है, सब कुछ डिलीट कर दिया गया है, और जो भी चीज़ें हैं वो बस और बस इंग्लैंड से रिलेटेड हैं। तो चूंकि वह इंग्लैंड में पैदा नहीं हुई थी, बचपन से वह इंग्लिश नहीं थी, उसको इंग्लिश बनाया गया है, तो उसकी इच्छा है कि वह जो है इंग्लिश को जाने। शी वॉज पेंड एट द थाउट दैट लाइक हर ऑल अदर एंटीगुअंस वेयर नो बडीज दे कुड नेवर बी समथिंग दे वेयर जस्ट नथिंग एंड दिस वॉज बिकॉज द इंग्लिश कॉलोनाइजर्स हैज इम्पोज देयर कल्चर्स ऑन द नेटिव द चिल्ड्रेंस वेयर टाउट ओनली ब्रिटिश हिस्ट्री इन द स्कूल्स द व्यू चिल्ड्रेंस हियर्ड अबाउट द वेदर और द नेचुरल सीनरी वेयर व्यूज अबाउट द इंग्लिश वेदर एंड द इंग्लिश नेचुरल सीनरी। तो ऐसा है कि वहाँ पर ये देखती है वो कि जितना भी एंटीगुअंस है, एंटीगुआ देश के लोग हैं, वो कुछ भी नहीं है, और जितनी भी चीज़ें हैं ना वो सब कुछ इंग्लिश लोगों के हिसाब से चल रही है, और वहाँ पर जो कल्चर है वो इंग्लिश कल्चर बनाया जा रहा है, वहाँ पर जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हैं वहाँ पर ब्रिटिश हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, वहाँ पर जो बच्चे वेदर पढ़ रहे हैं
या जो वेदर देख रहे हैं, जो नेचुरल सीनरी देख रहे हैं, वो सब कुछ नहीं है बल्कि इंग्लिश वेदर है, इंग्लिश नेचुरल सीनरी है। यहाँ पर एंटीगुअंस कुछ भी नहीं है। द एग्जोटिक एंड पिक्चर्स क्यू ब्यूटी ऑफ इंग्लैंड वॉज टोटली अलाइंड टू द चिल्ड्रंस इमेजनरी बिकॉज द रियलिटी इन एंटीगुआ वॉज क्वाइट द अपोजिट। तो जो जो एंटीगुअंस बच्चे हैं उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इंग्लैंड की चीज़ों को भरा जा रहा है, इंग्लैंड के इमेजिनेशंस को भरा जा रहा है, क्योंकि जो एंटीगुआ का जो जो आपको कल्चर है वो जस्ट अपोजिट टू इंग्लिश है। इसीलिए एंटीगुआ के कल्चर को डिस्ट्रॉय करने के लिए इंग्लैंड लोगों की ओर से, इंग्लिश लोगों की ओर से सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश इमेजिनेशन बच्चों के दिमाग में भरा जा रहा है। देयर वॉज ऑल्सो द कंपल्सरी सिंगिंग ऑफ इंग्लिश हिमेंस एंड पेइंग ऑबिसेंस टू द इंग्लिश फ्लैग विथ ड्यूटी टू द ब्रिटिश क्वीन एंड द ब्रिटिश पीपुल हुम द चिल्ड्रेन हैड नेवर सीन। दिस रिवील्स हाउ फार द कोलोनाइज्ड एंटीगुएंस वेयर फोर्स टू लीव इन इंग्लिश लीव एन इंग्लिश लाइफ वॉज एलियन टू देयर नेटिव कल्चर। द लिटरेचर दे रीड डिड नॉट रिलेट टू द कैरेबियन आइलैंड। तो ऐसा है कि जो बच्चे हैं उसको सब कुछ सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश सिखाया जा रहा है, और वहाँ पर यहाँ तक कि इंग्लिश हिमेंस और इंग्लिश फ्लैग को रेस्पेक्ट देने के लिए कहा जा रहा है, और ये इसकी ड्यूटी है कि वह ब्रिटिश क्वीन, ब्रिटिश पीपुल सबको सम्मान दे। कि कौन सम्मान दे? तो एंटीगुअंस लोग सम्मान दे, और उन लोगों को सम्मान दे जिसको कि एंटीगुअंस बच्चों ने कभी देखा ही नहीं है। तो यह दिखाता है कि कैसे जो कॉलोनाइज्ड एंटीगुअंस है उसको फोर्स किया जा रहा था इंग्लिश लोगों की ओर से इंग्लिश जीवन जीने के लिए, इंग्लैंड के कल्चर को अपनाने के लिए। और जो लिटरेचर वहां पढ़ाया जा रहा था वो कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये कैरेबियन आइलैंड का लिटरेचर हो। हाउएवर द ओपिनियन दैट किनसेड फॉर्म्स ऑफ इंग्लैंड व्हेन शी फर्स्ट विजिट इट इज कंप्लीटली डिफरेंट। तो जो भी ओपिनियन किनसेड के दिल में था, मतलब बचपन से भी जो भी चीज़ें इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड के प्रति डाली गई थी किनसेड के मन में, जब वो वहाँ पहुँच कर विजिट करती हैं तो वो बिल्कुल डिफरेंट, बिल्कुल अपोजिट देखती हैं। सी फॉर्म्स अ वेरी पुअर ओपिनियन ऑफ इंग्लैंड। अब जब वो वहाँ पहुँचती है किनसेड, जमैका किनसेड, तो वो इंग्लैंड के बारे में काफ़ी पुअर ओपिनियन देखती है। मतलब जैसा वो सोचती थी वैसा इंग्लैंड बिल्कुल नहीं है, उससे बिल्कुल बेकार है। देयर इज़ नथिंग इन इट दैट अपील्स टू हर। यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो कि उसके दिल को जीत ले। सी डिसलाइक्स इंग्लैंड, इट्स फूड, इट्स वेदर एंड इट्स पीपुल। वह इंग्लैंड को डिसलाइक करती है, उसके फूड्स को, उसके वेदर को डिसलाइक करती है। इवन द वाइट क्लिप्स ऑफ द डोवर दैट सी हैड रीड अबाउट द स्कूल वेयर डिसअपॉइंटमेंट व्हेन सी सॉ देम। Kinsett now that all her views about England, starting with the map and ending with her trip, will remain within her because colonized people were powerless to exert or express any opinion on the mighty English. She is sure that her opinions, if expressed, will be contemptuously dismissed as irrational prejudices by the English, therefore she cannot express her opinions. तो ऐसा है कि जब वो इंग्लैंड पहुँचती है और जो वह देखती है all her views about England, तो वह बहुत उदास होती है। मतलब इंग्लैंड में ऐसा कुछ नहीं है, और चूँकि जो ये जो किनसेड है वो सब कुछ समझती है। उसका जो ये सफ़र स्टार्ट होता है इंग्लैंड के बारे में, एक नक्शे से स्टार्ट होता है जो कि वो बचपन में देखती है, और ख़त्म कहाँ होता है, तो उसके ट्रिप पर जब वो खुद इंग्लैंड पहुंच जाती है और वो देखती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है इंग्लैंड में जो कि लोगों को आकर्षित करे। और जो कॉलोनाइज्ड पीपुल हैं, जो कि गुलाम जो एंटीगुअंस लोग हैं, वो पावरलेस हैं, उसके पास इतनी क्षमता नहीं है कि वो माइटी इंग्लिश, जो इंग्लिश लोग हैं, उसका विरोध कर सके या फिर उसके प्रति कोई अपना ओपिनियन रख सके। वो एकदम श्योर है कि जब वो अपना ओपिनियन रखेगी उन लोगों के सामने, तो जो इंग्लिश लोग हैं या फिर जो एंटीगुअंस लोग हैं वो उसको रिजेक्ट कर देंगे, और इस तरह से वो अपना जो फीलिंग्स है वो उसे एंटीगुअंस लोगों के सामने एक्सप्रेस नहीं कर सकेगी। तो यही थी दोस्तों स्टोरी, और यही थी एक शॉर्ट एसे जमैका किनसेड की ओर से लिखा गया। आई होप आप लोगों को ये वीडियो सेशन पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर। और नेक्स्ट वीडियो सेशन जो होगा उसमें हम लोग बाकी के रेस्ट दो ब्लॉक्स को कवर करेंगे, और इस वीडियो ब्लॉक में या इस वीडियो सेशन में जो भी कमी अथवा परेशानी आप लोगों को नज़र आई होगी तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। और थोड़ी बहुत जो कन्वर्जेशन मिस्टेक्स हैं या प्रोनाउंसिएशन में मैं मिस्टेक कर देता हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है दोस्तों कि मुझे आता नहीं है। मतलब हड़बड़ी में, स्पीड में जो मैं बोलता हूँ तो वो मैं थोड़ा नहीं देखता हूँ, तो वो गलती मैं कर बैठता हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं आगे से इसको सुधारने की कोशिश करूँगा।
अब टाटा बाय बाय दोस्तों, टिल देन टेक केयर।